1275 बिहार एसआई का नोटिफिकेशन पिछले साल अगस्त लास्ट में आया था और फॉर्म अप्लाई किया जाना प्रारंभ 5 सितंबर से हुआ था, 5 सितंबर से हुआ था और 5 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई हुआ था और उसके बाद जो है आपको फिर एग्जाम हुए। प्रीलिम्स का एग्जाम दिसंबर में हुआ और मेंस का एग्जाम फिर 25 फरवरी को हुआ, फिर फिजिकल हुआ और फिजिकल होने के बाद जो है मेरिट आया है। आज 9 जुलाई है, आज लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है आपको आज रिजल्ट आया है और अभी लगभग 4:15 बज रहा है और अभी बहुत सारे लोगों को तो यह मालूम भी नहीं है कि रिजल्ट सच में आ गया है, बहुत कंफर्मेशन में ही है कि रिजल्ट फेक है या फिर रिजल्ट ओरिजिनल है। तो हम आपको बता दें रिजल्ट जो है आपको ओरिजिनल है। तो बहुत सारे लोग घर पे भी हैं, लास्ट मेरिट का इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोग घर पर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, जैसे हॉस्टल के ही 50% से ज़्यादा बच्चा जो है आपको घर पे ही है और 50% जो है आपको यहाँ पर थे। तो अभी आपको स्टेज पे जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं, इसमें तो लड़कियां नज़र आ ही नहीं रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इधर हो जाइए ताकि लड़की को भी आना चाहिए फ्रेम में, कैमरा के फ्रेम में आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए। तो स्टेज पे जितने लोगों को देख रहे हैं ये तो प्रारंभिक रुझान है। जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन का जब आपको जिस रोज रिजल्ट आना होता है तो काउंटिंग लगभग 7 बजे से शुरू होता है, सुबह 7 या 8 बजे से काउंटिंग शुरू होता है और 10-11 बजे तक प्रारंभिक रुझान होता है। फाइनल रिजल्ट तो आपको 1-2 बजे के बाद आता है। तो ये प्रारंभिक रुझान है और अभी रिजल्ट जो है चेक करवाया जा रहा है, क्योंकि संस्थान ने अपने तरफ से संस्थान के छात्रों को फिजिकल भी करवाया है, तो फिजिकल का एडमिट कार्ड संस्थान के पास है और संस्थान से जुड़े सभी लोगों का जो है रिजल्ट चेक करवाया जा रहा है। ऑन अप्रॉक्सीमेट हमें जो अनुमान है, जो अभी तक चेक हुआ है, 1-1.5-2 घंटा में जो चेक हुआ है, उस अनुमान के आधार पर हम आपको बतला सकते हैं कि अप्रॉक्स में इस बार जो है 1275 में से अप्रॉक्स में 300 से ज़्यादा रिजल्ट संस्थान का होना चाहिए, 300 से ज़्यादा। तो आप सब लोग इस बात को समझिए, देखिए 1275 सीट में जो है आपको 300 सिर्फ एक संस्थान से रिजल्ट होना अपने आप में एक गौरवान्वित पल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के लिए और आप सभी के लिए। तो तानिया आइए, तो कौन बैच में पढ़ते थे? सेकेंड बैच 3 से 5। आपका क्लास कहाँ होता था, नया सेंटर या ओल्ड सेंटर? पहले सर मतलब 3 से 5 बैच प्री के टाइम ओल्ड सेंटर पे ही होता था, फिर मेंस में तो सारा बैच यहीं। हाँ, मेंस के टाइम में यहीं पे। तो एक बात बताइए, पढ़ाई के दौरान कभी आपको ऐसा लगता था, ऐसा तो सबको लगता है लेकिन आप हमको बताइए, पढ़ाई के दौरान कभी आपको ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा या हो जाएगा, यानी आप कॉन्फिडेंट थे कि आपसे हो ही जाएगा या फिर आपको लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार का चीज था आपके भीतर? मेरे में सर था कॉन्फिडेंट कि इस बार हो जाएगा। कहे कि पिछली बार आप छठे थे और मतलब अच्छा पिछली बार आप छठे, तो पिछली बार छठने के बाद इस बार आप किस प्रकार का स्ट्रेटजी अपनाए? सर जैसे आप भी बताए थे कि मतलब साइंस पे और हम हर एक सब्जेक्ट को किसी को मतलब स्किप नहीं किए, हर एक सब्जेक्ट को उसी ढंग से पढ़ते चल गए और जैसे आप बताए थे वैसे ही जो भी नोट्स का और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़े थे। फिर 12 उस टाइम में 12 बजे टेस्ट होता था जो 50 क्वेश्चन का, हाँ तो वो भी ऑफलाइन क्लास करते थे और ये जो भी नोट्स था बिट्टू सर का हो आपका हो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा पढ़ लेते थे। देखिए हम आपको बोलते हैं ना, जैसे बैच है अभी तो टेस्ट सिर्फ शाम में 7 से 9:30 चलता है, पहले टेस्ट 2 टाइम चलता था आपको दोपहर में 12 से 2:30 और शाम में 7 से 9:30। हम इन लोगों को बोलते हैं कि बैच आपका खाना है और टेस्ट आपका पानी है, खाना खाने के बाद अगर आप पानी पियेंगे तभी खाना पचेगा। देखिए ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइनली बैच में जो पढ़ाया जाता क्या सब्जेक्टिव ना पढ़ाया जाता है, बैच में आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है, बैच में सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है और
आपका फाइनली जो है, आप इस बात को समझिएगा, आपका जो एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है, चार ऑप्शन होता है, और उस पर प्रैक्टिस होता है शाम में 7 से 7:30। यही कारण है कि हम बोलते हैं वो पानी है। देखिए ये की है या नहीं की है, की है, और अंतिम रूप से ये चयनित भी है, और इन्होंने तो आपको बताया ही, इन्होंने तो अपने तरफ से जो है ये बात बताई है ये कि आपको आपके भीतर भी एक विश्वास होनी चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं। जैसे पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार तो एक कॉन्फिडेंस तो था ना कि हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं वाला कॉन्फिडेंस आपके भीतर होनी चाहिए, तभी जाकर के अंतिम रूप से आप चयनित हो पाइएगा, नहीं तो फिर आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। चलिए आइए, अब आप आइए। हाँ सुनिए, अब देखिए अनुप्रिया, अनुप्रिया है ये, और जिनको ये लगता है कि एक बार में नहीं हो सकता है, उनके लिए अनुप्रिया प्रेरणा स्रोत है कि एक बार में भी हो सकता है। तो आप ये कभी भी दिमाग में ना रखें कि जो है आपका नहीं हो सकता है एक बार में। आप इन लोगों को कुछ कहिए, हम ही सवाल करते हैं, आप सिर्फ जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो अनुप्रिया जी, कौन बैच से थे आप? 5 से 7, शाम में 5 से 7। देखिए बिहार दरोगा का पिछली बार 3 बैच चलता था, एक बैच सुबह 10 से 12, दूसरा बैच शाम में 3 से 5, और तीसरा बैच शाम में 5 से 7। तीसरा बैच शाम में 5 से 7, तो तीसरा बैच 5 से 7 बैच की ये छात्रा थी। तो आप एक बात बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीतामढ़ी। पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेस है पिताजी का। चलिए तो एक बात बताइए आप कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान जो है भटकाव होता था, मतलब क्या करे क्या नहीं करे, या फिर सिर्फ जो क्लास में हम बोलते थे कि सिर्फ इतना करना है उतना ही करते रहते थे, या फिर भटकाव होता था ये भी करे वो भी करे वो भी करे, क्या करते थे आप? आप कहते थे वैसे ही हम करते, जो कहते थे वैसे ही करते, सिलेबस यहाँ से पढ़ के गए वही पढ़े वहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग को बोलते हैं, तो आप लोग को हम क्लास में समझाते हुए एक बात हमेशा बोलते हैं कि क्लास में जितना बतलाया जाता है, जितना समझाया जाता है, विश्वास करके उतना कीजिए। और लेकिन कुछ लोग बात को मानते हैं और कुछ लोग बात को नहीं मानते। जो लोग बात को मानते हैं, ठीक है, जो लोग बात को मानते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो निश्चित तौर पर अंतिम तौर पर सफल होती हैं या होते हैं, लेकिन अगर नहीं मानिएगा तो फिर असफल लोगों की कड़ी में ही आप भी शामिल होइएगा। तो आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। तो मेरा एक बात ये था कि जो भी चैप्टर हो रहा है जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक उसी को सिर्फ पढ़ते थे। हाँ चलिए ठीक है, ये भी बहुत बेहतर है। मतलब जो चैप्टर चल रहा है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसी को जितना बार होता था उतना बार पढ़ते थे। मतलब इस तरीका से तो हर चैप्टर अच्छे तरीका से आपका क्लियर हो जाता होगा। क्या नाम है, नाम बताइए? निधि। पकड़िए माइक पकड़िए। चलिए तो आप इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? आपका हाइट तो बहुत शानदार है, क्या बोलना चाहेंगे बोलिए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा, छपरा, छपरा से बिलोंग करती हैं। छपरा वाले कौन कौन है जी? छपरा वाले हैं लोग, समझे। चलिए आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अंतिम रूप से सफल हुए हैं। देखिए कोई एक दरवाजा नहीं है, बिहार एसआई में आपको 3 दरवाजा क्रॉस करना होता है। सबसे पहले आप प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर फिजिकल, 3 दरवाजा आप क्रॉस किए हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं होता है, और अगर आसान रास्ता होता तो हम भी अंतिम तौर पर चयनित हो जाते, लेकिन हम तो अंतिम तौर पर चयनित नहीं ही हुए हैं। पहले हम मेरिट लिस्ट में छठे हुए थे, इससे पहले मेरिट में 64 वाला में नहीं, 689 609 पुलिस, बिहार पुलिस वाला। उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ही वाला, बिहार बिहार साइम फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऑनलाइन पीटी में जुड़े थे, मेंस में ऑफलाइन। पीटी में ऑनलाइन पढ़ती थी और जब प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में ऑफलाइन आकर के जो है ये क्लास की है। और इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ संदेश दीजिए। एक है ना कि त्याग बराबर सफलता, त्याग, नींद को भी त्याग दिया था। हाँ हम बोलते हैं ना आपको, अगर हमारा नंबर किसी के पास होगा व्हाट्सएप नंबर, तो हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ये बात लिखे हुए हैं, त्याग बराबर सफलता, समझ गए? क्योंकि ये हमने अपने जीवन में देखा। हम आपको बता रहे हैं 2014 में हम घर छोड़े थे तो 2022 में घर गए, जब तक हमको लगने लगा, जब तक हमको ये एहसास नहीं हुआ कि जीवन में थोड़ा बहुत सफल हो गए हैं,
अब समाज का लोग थोड़ा इज्जत देगा। जब ऐसा महसूस हुआ तब हम गढ़ गए थे। तो हम अपने जीवन में इस चीज को महसूस किए हैं कि अगर हमें सफल होना है तो त्याग करना पड़ेगा, और हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उस चीज को लिखे हैं और उसी चीज को ये अपनाई है। हम आपको बोले ना, क्लास का छोटा छोटा चीज, अगर कोई बच्चा उसको एक जीत बना लेता है ना, तो वो निश्चित तौर पर सफल होता है। जैसे हम आपको एक बताना चाहेंगे, पटना डिस्ट्रिक्ट में ही इस साइड का एक लड़का था रजनीश, वो अभी SI है और BPSC का तैयारी कर रहा है, हमारे मार्गदर्शन में ही कर रहा है। हम बैच नहीं दिए हैं लेकिन फिर भी लोग हमसे जुड़ करके BPSC का तैयारी कर रहे हैं। तो वो फाउंडेशन बैच का लड़का था, उस सेंटर पे क्लास लेते थे, साइड में बैठता था। एक रोज उससे क्वेश्चन पूछे, जवाब नहीं दिया, तो उसको हम बोल दिए कि तुमको जीवन में कुछ नहीं होने जा रहा है, और इस बात को वो गांठ की तरफ बैठा लिया। और फिर जो है आपको वो यह ठान लिया कि हमें अब जीवन में कुछ करके सर को दिखाना है, और फिर अंतिम रूप से लड़का पिछली बार जो है चयनित भी हुआ। तो बातों को अगर आप मानेंगे, बातों को अगर आप समझेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। त्याग बराबर सफलता बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। ये हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ये चीज हम अपने स्टेटस में लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से हम जा करके लिख दिए हैं, समझे। तो चलिए, जीवन में सफल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अब किसी लड़का को हम बुलाते हैं। मुकुंद आ जाइए, फिर आपको देखें। आइए तो मुकुंद, कैमरा के सामने आइए। मुकुंद झा, स्टेबल हॉस्टल यानी अस्थाई तौर पर जब हॉस्टल खोले, उसका पहला लड़का है मुकुंद झा, पिछली बार से ही जुड़ा हुआ है। और जब फिजिकल हुआ था तो उस टाइम में भी हम इनके विषय में बताए थे। देखिए, इन्हीं के साथ पिछली बार भी बहुत सारे छात्र थे जो इन्हीं के साथ हॉस्टल में रहे। कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए। जैसे सफल हर कोई थोड़े हो जाता है जी, सफल हर कोई नहीं होता है। सफलता हर किसी को चाहिए लेकिन सफल हर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई को अपने पर विश्वास ही नहीं होता है। हर कोई अपनी कमजोरी को पकड़कर मेहनत कर ही नहीं सकता है, और हर कोई त्याग कर ही नहीं सकता है। यही वजह है कि हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। तो मुकुंद जी, अपने तरफ से आप कुछ बोलिए, अगर आप फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, पहले आप अपने तरफ से बोलिए। और यही मुकुंद जी है, इनके भाई साहब ही, इनके बड़े भाई ही अमरजीत जी हैं, जो समस्तीपुर में जुनून फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, और इन्हीं के बड़े भाई के पास जो है संस्थान के हॉस्टल का लड़का जो है फिजिकल करने के लिए गया था। तो बताइए आप कुछ अपने बारे में, और जीवन में सफलता सफल हुए हैं, क्योंकि असफलता तो आपको हाथ लगा है, और ये पहली पूर्ण सफलता है मेरे ख्याल से। तो ये जो जर्नी रहा है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं, कैसे क्या हुआ, बताइए कुछ। जी, मेरा नाम मुकुंद कुमार झा और मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो बात रहा तैयारी का, तो तैयारी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, पर जब हम फर्स्ट टाइम पटना आए थे तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है नहीं करना है। एक सिंगल रूम लेके वहाँ क्या बोलते हैं संदलपुर बाज़ार समिति के पास, और सिंगल रूम ले लिए और पूरे दिन उसमें सोए रहते थे, कुछ नज़र ही नहीं आता था क्या करना है नहीं करना है। फिर एक दोस्त था मेरा दिनेश, वो बोला जो ज्ञान बिंदु अपना एक हॉस्टल चला रहा है उसमें एडमिशन हो जाएगा टेस्ट दे के। हम बोले ठीक है टेस्ट देंगे, पर मेरा परफॉर्मेंस बहुत गंदा था उस टाइम का, और इतना गंदा था जो आप जान लीजिए, अगर हॉस्टल में किसी लड़का का अगर टॉपर का 80 मार्क्स था तो मेरा आता था 35-36, ठीक है स्टार्टिंग में। पर हम मतलब खुद के अंदर इतना बिलीव था जो नहीं कर लेंगे यार, कुछ भी हो जाए पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लड़के थे जो अच्छे अच्छे लड़के थे, उनसे बार बार रूम में जाके पूछते थे जो भैया कैसे करते हैं नहीं करते हैं, एक एक चीज़ बताइए। तो उसी दौरान मेरा मुलाकात राहुल भैया से हुआ, उन्हीं हॉस्टल में रहते थे। तो वो बताए जो तुमको खुद पे बिलीव होना चाहिए और मतलब मेहनत करने का आदि होना चाहिए अंदर से, मतलब जुनून होना चाहिए उस टाइप का जो कर लोगे। तो ये तो मेरे अंदर बिल्कुल, मैं तो कॉन्फिडेंट था जो नहीं मेहनत जितना भी करना पड़े कर लूँगा मैं इसके लिए, पर एक सही गाइडेंस का जरूरत था जो हो
हॉस्टल में आके मिला सबसे फर्स्ट टाइम वहाँ 2213 दरोगा में, मतलब कहाँ बाजार समिति वाला हॉस्टल में। तो वो जब मिल गया तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं लगा जो नहीं यहाँ से हो जाएगा। तो मेहनत किए, मेहनत ऐसा किए कि आप समझिए सीधा 35-36 नंबर से सीधा हम लास्ट में, मेरा भी नाम रहता था टॉपर में, टॉप 5 टॉप 10 में रहते थे, पर किसी कारणवश मेरा पिछला बार डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए दरोगा में फाइनल मेरिट में। सार्जेंट मारे थे पर फिर भी छट गए। तो वहाँ से ऐसा टूटे कि कहीं ना कहीं लगा जो नहीं गलती तो हुआ, और एक ही गलती नज़र आ रहा था जो सर बार बार बोलते थे मैथ रीजनिंग पे ध्यान दो, मैथ रीजनिंग पे ध्यान दो, पर लगता था जो इतना हल्का मैथ रीजनिंग रहता है, बेसिक मैथ तो ठीक ही रहता है सबका, पर बहुत दिन छोड़ देने के बाद गड़बड़ हो जाता है। तो वहाँ से छोड़ दिए थे और मेरा मैथ रीजनिंग काफ़ी गंदा था, मतलब बेसिक ठीक था 10th तक, 11th 12th का भी ठीक था, पर उसका कोई उतना यूज नहीं था वहाँ पे। तो हम कॉन्फिडेंट थे बन जाएगा, लेकिन मेरे से गलती हो गया फाइनल एग्जाम में, 4-5 मैथ रीजनिंग गलती हो गया जिसके कारण हम फाइनल मेरिट में बाहर हो गए। उसके बाद हॉस्टल बंद हो गया तो अलग रूम लिए, और सर के गाइडलाइन में रहते थे हमेशा बार बार आके सर से मिलना, सर कैसे होगा नहीं होगा। उसके बाद उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद BPSC का एग्ज़ाम था जिसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, और मेंस के लिए इतना कुछ था नहीं, दरोगा का लड़का मेंस का कितना तैयारी करता है BPSC का पता ही है। तो गलती से BPSC का प्रीलिम्स हो गया और जनरल से हुआ, जनरल से भी ज़्यादा मार्क्स था, कहीं ना कहीं तैयारी किए इतना रगड़ के दरोगा में छटने के बाद जो आ गया। उसके बाद फिर मेरा तबीयत खराब हुआ, फिर चले गए घर, फिर 1275 दरोगा का वैकेंसी आया। तो दिल में कहीं ना कहीं था जो अगर एक भी वैकेंसी आए तो उसके लिए जी जान लगा देना है, चाहे कि कुछ भी हो जाए, और मेरा मेरिट बनना चाहिए। और फिर हॉस्टल खुला सर का, हॉस्टल में आए और ऐसा तैयारी किए कि फिर दूर दूर तक मेरिट में छटने वाला बात नहीं था, और मेरा इतना अच्छा मार्क्स था जो अगर 100 लड़का का भी मेरिट बनता तो मेरा मेरिट बनना चाहिए था। तो यही था। और हाँ ठीक है, 100 में 87 मतलब निगेटिव काट के 87 या 100 में 87 सही था, सही है सर, 100 में 87 सही था, मतलब 13 गलत था, मतलब आप मान करके चलिए 85 गुना 2 कर दीजिए कितना होता है 170 मार्क के आसपास इनको है। तो अब 200 में 170 मार्क ला रहे हैं, तो अब तो मेरिट बनना ही बनना था, नहीं बनने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ तो यही है कि आप लोग जहाँ भी है हिम्मत मत हारिए, जो कमी है आपके अंदर उस कमी पे काम कीजिए, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी का फाइनली दरोगा का जितना लड़का होता है उसमें मेनली साइंस और मैथ रीजनिंग का उसका वीक पॉइंट होता है, जो मेरा भी था, और काफ़ी सारा मेरा दोस्त दरोगा बना है, जितना भी बना है सब मेरा लगभग जान पहचान का ही है। तो सबसे बात किए तो वही फील हुआ जो साइंस और मैथ रीजनिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दरोगा बनने के लिए, फाइनली आपको सेफ रहने के लिए, क्या है कि दरोगा में इतना कंपटीशन हो गया है अभी जो आपको 80 लाने से कुछ नहीं होगा, अब आपको कम से कम 85+ या 90 के आसपास जाना ही होगा जिस टाइप से कंपटीशन बढ़ गया, अगर सेफ रहना है तो। नहीं तो अगर आप 80 लाते हो 75 लाते हो तो कहीं ना कहीं आपको फिर से धोखा ही मिलेगा। इसीलिए अगर सेफ रहना है तो आपको हर चीज़, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, मैथ रीजनिंग, कोई भी सेक्टर आप छोड़ नहीं सकते हैं, जिससे एक भी क्वेश्चन पूछता है आप छोड़ नहीं सकते हैं उसको। और यही था। और आप देखिए अगर मेरा जो भी क्वेश्चन गलती हुआ है, मेरा नसीब बोलिए या कुछ भी, उसमें 6 करेंट अफेयर था जो आउट ऑफ सिलेबस था, 4 बिहार का क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस था, और 2-3 शायद 2 क्वेश्चन सोशियोलॉजी का था जो आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए, और यही सब क्वेश्चन गलत हुआ जिसका, नहीं तो मेरा सिलेबस से मात्र 1-2 क्वेश्चन गलत था। तो यही है कि आप अपने कमजोरी पे काम कीजिए और फाइनली सब कुछ होगा, जैसे आज मेरा हुआ आप लोग का भी होगा, बिल्कुल होगा। और अब आगे जो है हर किसी से 2-2 लाइन में जो है लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप आइए, तो बहुत पुराने छात्र हैं ये, समझ गए हमारे नजर में तो बहुत पुराने हैं, और SSC CGL का तैयारी करते थे आप ना। हाँ तो इन लोगों को क्या कहना चाहिएगा, इन लोगों, आपका नाम क्या है, नाम बताइए। दीपक कुमार। दीपक जी हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आप SSC CGL का तैयारी करते थे, आपका मैथ और रीजनिंग जो है काफी शानदार होगा, GS थोड़ा कमजोर हो, सबका सब सही हुआ है, और मेंस में मैथ रीजनिंग सारा का सारा सही हो, चलिए बहुत बढ़िया। तो इन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? इन लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि तैयारी कीजिए, पढ़िए और एक ही तरफ ध्यान दीजिए, चाहे जिधर भी जाना हो,
मेरा तो इधर भी था, इधर भी था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो देखिए बीपीएससी का भी मेंस लिखे हुए हैं, बिहार बिहार सचिवालय सहायक, उसमें भी मेरा मेंस चुका है। छोड़िए नाम पकड़, हाँ बोलिए। बिहार बिहार सचिवालय में भी मेरा मेंस चुका है, तो इधर इधर रहने से कोई फ़ायदा ना है। जिधर भी जाना है बस एक डायरेक्शन में लगे रहिए, होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और दरोगा की तैयारी करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दौड़ भी करते रहिए, क्योंकि देख भी रहे हैं कि फिजिकल में कितना लड़का फेल किया है, कम से कम 60% लड़का लड़की फेल ही किया है, 40% ही पास किया है। मेरा भी एक बार फिजिकल दरोगा का फेल है, इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई तो करते रहिए, जब तक मेंस ना हो धीरे धीरे दौड़ते रहिए। और प्रतीक सर हैं, इंद्रेश सर हैं, बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, पैर में बहुत दर्द भी करता था, मसाज भी करते थे सर, जो बात है सर। और पहले हम जानते भी नहीं थे, यहाँ आने के बाद ही सर के पास गए हैं, सर ही भेजे थे जहाँ पर चूज किए, लेकिन हम समय के अनुसार और रूम से मेरा पटना कॉलेज नज़दीक पड़ता था इसलिए सर को चूज किए। उस समय हमको कुछ नहीं पता था कि अच्छा करवाते हैं या ना करवाते हैं, लेकिन यहाँ से 31-32 लड़का लड़की पास किया फिजिकल, 81 लड़का है, 57 लड़की है। चलिए तो इनके कहने में दो चीज छिपा हुआ है जो आपके लिए हमको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है। एक बात ये, जिधर भी जाना है एक बार डिसाइड कर लीजिए और उसी पर मेहनत कीजिए, जल्दी सफलता मिल जाएगा। जैसे ये इनमें थोड़ा भटकाव आया, इसी वजह सफलता में थोड़ा देरी हुआ, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर आप बिहार एसआई के बारे में स्पेशली सोच रहे हैं तो अभी से थोड़ा बहुत फिजिकल करना चाहिए, और ये सच भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस बार तो लोकसभा चुनाव के की वजह से जो है 3 महीना का टाइम फिजिकल में मिल गया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपका जब फिजिकल होगा, आपका जब नोटिफिकेशन आएगा और आपका जब फिजिकल होगा, जब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा उसके 1 माह के भीतर आपका फिजिकल होगा, 1 माह से ज्यादा नहीं होगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा आपको दौड़ना चाहिए, सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में से 2 से 3 दिन आपको ग्राउंड निश्चित तौर पर जाना चाहिए। ये हम आपको पहले भी बोले हैं, यहां पर जो सफल लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, तो इस चीज को हमको पता है, आप इस कान से सुनिएगा दूसरे कान से निकाल लीजिएगा। अभी आपके दिमाग में ये होगा कि जो है अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, लेकिन आप चीज़ों को अगर अमल में नहीं लाते हैं तो फिर आप अंतिम तौर पर चयनित नहीं हो पाएंगे। संस्थान के ही अनेकों छात्र हैं जो फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए हैं, 2 सीख दे रहे हैं, इस सीख को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आपको सफल होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और जो है आपको हम बता रहे हैं 21 तारीख को आप लोगों के लिए एक सम्मान समारोह रख रहे हैं, टॉप 20 में आएंगे तो बुलेट के भागीदार होंगे, नहीं आएंगे तो फिर आगे जो है आप लोगों के लिए भी अच्छा गिफ्ट रखा जाएगा। और 21 तारीख को आप लोगों के लिए सम्मान समारोह है, लड़का लड़की सबके लिए सम्मान समारोह है, कहाँ होगा क्या होगा हम आपको सूचित कर देंगे। दो मिनट जो है और भी लोगों से लेना चाह रहे हैं, आइए आप अपना नाम बताइए। आप, मेरा नाम अंकेश कुमार है और हम बेगूसराय जिला से आते हैं। अनिकेश जी हैं, बेगूसराय जिला से आते हैं। आप अपनी सफलता किसको समर्पित करना चाहते हैं? अपनी सफलता मम्मी पापा के अलावा सर को जाता है, और मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और इसमें सबसे ज़्यादा खास करके मेरे फिजिकल ट्रेनर को जाता है। जब हम शुरू किए थे तो उस समय मेरा वेट 75 kg था, अगर लोकसभा चुनाव के कारण समय ज़्यादा नहीं मिलता तो हम फिजिकल से ही आउट हो जाते। चलिए तो आपका तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी आप विशेष धन्यवाद दीजिए। जी सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कारण भी मेरा सफलता में थोड़ा उनका भी योगदान रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं इन लोगों के लिए? देखिए खास करके लड़का अगर मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करते हैं तो उनका मेरिट नहीं बनेगा, इस बात को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिएगा उतना आपके लिए सही है, क्योंकि 100% जीएस कभी भी अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते हैं। इस बात सबसे बड़ी बात है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। तो देखिए इनके कहने का मतलब था सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, मैथ और रीजनिंग लड़का, और देखिए इस बार कटअप गया 81 गया है। जीएस आप कितना भी पढ़ ले 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। और बिहार एसआई की तैयारी करने वाले लड़का एवं लड़की दोनों का मैथ रीजनिंग वीक होता है, इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, ये यही बोल रहे हैं कि इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं हमारा कमजोर है और उस पर काम करना चाहिए आपको, समझ गए। और भी कुछ
संदेश। और आप लोग मेहनत कीजिए, हम तो एक ऐसे गांव से आते हैं जहां से अभी तक मात्र 4 लोग जॉब करते हैं, 2 लोग का इस बार टीचर में हुआ है, 1 दरोगा है और 1 गुड्स गार्ड में है। बताइए, इतना पिछड़ा गांव से आते हुए भी हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर ही सकते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर। तो और भी कुछ बोलना चाहेंगे? हो गया, चलिए ठीक। चलिए आइए। तो क्या नाम है आपका? रोशन कुमार, मधेपुरा। रोशन मधेपुरा। मधेपुरा में कहाँ से है? शंकरपुर प्रखंड, गांव हरिडा। चलिए, आप जो है इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपसे बेहतर आपका कमजोरी कोई नहीं जानता। अपने कमजोरी को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। होता है क्या, अभी सब यहाँ सबको देख के मोटिवेट होते हैं कि अब इस बार से आगे से हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर जाते जाते धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। और अपना बेस्ट दीजिए सब चीज़ में, चाहे वो फिजिकल हो या पढ़ाई हो। फिजिकल में अगर मेरा बेस्ट नहीं होता तो शायद मेरा फिजिकल नहीं हो पाता। ये देखिए मेरा फोटो है, ठीक है, मेरे पैर का। जब रनिंग का जिस रोज फिजिकल था उस रोज का है। जब मेरा 3rd राउंड था उसी टाइम मेरे पैर का ये हाल हो चुका था, ठीक है। उसके बाद 2 राउंड और दौड़ना था, सिर्फ दौड़ना ही नहीं था, उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों करना था। और इसके बावजूद भी हम 6 मिनट में दौड़े हैं, ठीक है, 6 मिनट में दौड़े। फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉन्ग जंप, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई जंप क्लियर किए, ठीक है, इतना होने के बावजूद, ठीक है। देखिए इनका पैर, देखिए दौड़ के क्रम में इनके पैर का हाल देख लीजिए। कैमरा दिखाइए, हो दिखाइए इनके पैर का हाल। और जब ये दौड़ रहे थे तब, लेकिन एक जो इच्छा शक्ति होता है ना कि नहीं हमको करना ही करना है, मतलब वो वाला चीज इनमें था, तब जाकर के जो है दौड़ है जंप लॉन्ग जंप, यानी जिस रोज इनका दौड़ था उस रोज का ये फोटो है, समझ गए, दौड़ने टाइम का फोटो है। 3rd राउंड में इसका पैर फट चुका था, समझ गए। तो जो है एक अंदर से होना चाहिए कि नहीं हमको करना है तो आप निश्चित तौर पर कर जाएंगे, समझ गए। तो और भी कुछ कहना चाहेंगे? जब हम 3rd अटेम्प्ट दौड़ रहे थे उस टाइम मेरे मन में यही आ रहा था कि अब नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं, दरोगा हम नहीं बन पाएंगे, हम टीचर हो जाएगा हमसे, हम टीचर कर लेंगे इस बार, ठीक है। लेकिन फिर सोचे अगर 3 राउंड दौड़ चुके हैं तो 1 राउंड और कोशिश करते हैं। जब 4 राउंड हो गया तो बोले अब तो लास्ट राउंड है, 1 राउंड और ट्राई करते हैं, टाइम से बाहर जाएंगे जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन जब टाइम के अंदर आ गए हम, 6 मिनट में मेरा दौड़ हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर वहाँ पे जो भी मेडिकल के आदमी थे वो मेरे पैर में पट्टी उट्टी बांधे, उसके बाद फिर दवाई खाए। एक दोस्त था जो दवाई लेके आया था वो दर्द का, वेवरॉन, तो वो हम 2 टेबलेट खाए। उसके बाद जाके लॉन्ग जंप और हाई जंप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। इसीलिए अपना बेस्ट दीजिए, जब बेस्ट रहेगा तभी सब क्लियर हो पाएगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं छटना निश्चित है। निश्चित तौर पर इस पर हम एक बात कहना चाहेंगे, ठीक है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, सच कहता हूं कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो देखिए 3rd राउंड में इनका पैर पूरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद ये अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिए। और यही वजह है कि इनका जो ग्रह नक्षत्र था वो इनकी सफलता से दूर जा रहा था, लेकिन इनके तन मन धन लगाने की वजह से ही आज इनके कंधे पर डबल स्टार वाला सितारा चमकेगा, समझे। तो चलिए अब आगे आइए। तो आप क्या नाम है, नाम बताइए? मेरा नाम स्वदेश है। स्वदेश, स्वदेश एक मूवी भी ना है हो? शाहरुख खान का मूवी है। चलिए, नाम तो बढ़िया आपका, शानदार। कहाँ से हैं आप? हम जमुई से। जमुई से? हाँ, जमुई। जमुई अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, वो पढ़ने में बहुत आगे बढ़ रहा है जमुई। जी सर, पढ़ने में पहले की तुलना में जमुई बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हम आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए? संदेश सर एक ही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, 100% पढ़ना पड़ेगा, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। बिट्टू झा सर बोलते हैं ना कि दरोगा का तैयारी करना है तो पढ़ना पड़ेगा 100%। सिलेबस रखिए 100%, तभी होगा नौकरी। क्योंकि कट ऑफ जा रहा है 80-82, एक भी पोर्शन छोड़िएगा क्वेश्चन वहीं से पूछता है। आदमी इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं जाता था, क्वेश्चन वहीं से पूछा है। आदमी करेंट पढ़ के नहीं जाता था, क्वेश्चन वहीं से पूछा है, ठीक है। तो 100% सिलेबस रखिए, नौकरी होगा। और 100% सिलेबस कौन पढ़ाता है? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पढ़ाता है, ठीक है। इसलिए दरोगा का सिलेक्शन लेना है तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी आना ही पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि लोग बोलते हैं मैंने कर दिया, मिला खाली गिलास मैंने भर दिया, जिसको भी मुझ पे डाउट था मैंने सबका मुंह बंद कर दिया। और कुछ? जी सर, धन्यवाद। चलिए तो हमारी ही बातों को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि बिट्टू झा सर की बातों को भी ध्यान में रखना है। और एक बात हम आपको बताते हैं,
बिट्टू सर जो ये बात बोलते हैं ना, सुनिए 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 काम का बात, बिट्टू सर जो ये बात बोलते हैं कि 100% सिलेबस पे अपना पकड़ बनाना है तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होगा, इस चीज को लेकर जानते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर बिट्टू सर की आलोचना करते हैं, बिट्टू सर के इस स्टेटमेंट की बहुत सारे टीचर आलोचना करते हैं, लेकिन हम तो उनके समर्थक हैं। और देखिए अभी बोले हैं ये, इसके बाद आपको 2213 में नमा रैंक, नाइन्थ रैंक था, कोई मिश्रा जी थे, विनय दुबे, तो वो भी बात बोले थे जो बात बोले हैं ये, समझ गए। तो 100% सिलेबस पर कवरेंस जरूरी है। चलिए अब आगे आ जाइए, तो आप आइए जो लोग नहीं है। क्या नाम है आपका? सुदामा ठाकुर। सुदामा ठाकुर। सुदामा ठाकुर जी कहाँ से हैं आप? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। अरे सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आएंगे, समझे? तो घर पे हैं। हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारे लोग सच में घर पे हैं जी। कुछ बोलना चाहेंगे बताइए इन लोगों। हाँ। देखिए पढ़ाई लिखाई तो सब है ही है, पूरा सिलेबस जब तक कवर नहीं होगा रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। इसके साथ साथ फिजिकल के भी ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो पतले दुबले हैं वो तो मार सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा हेल्दी हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए 49 मेंस होने के बाद भी 2061 पर आ गया फिजिकल। अब फिजिकल के लिए पटना कॉलेज बहुत मस्त है, वहाँ प्रतीक सर भी हैं, इंद्रेश जी भी हैं, इन लोगों के साथ हम लोग जुड़कर फिजिकल किए, बहुत अच्छा लगा, अपनापन दिखता है। और ऐसे भी प्रतीक सर थोड़ा बनारस से हैं तो बात में अध्यात्म भी रहता है, मन भी लगता है वहाँ पे। इसीलिए जिनको भी थोड़ा फिजिकल पे डाउट है वो अभी से 2-4 सप्ताह में करते रहिए, उससे कोई पढ़ाई कमज़ोर नहीं हो जाएगा। होल सिलेबस पर पकड़ होना ही चाहिए, बाकी सब जो डायरेक्शन मिल रहा है उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू। अंदाज जुदा था। चलिए आइए, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार, छपरा से। अजीत कुमार कहाँ से? छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा से, छपरा से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अपने सफलता का श्रेय माता पिता के साथ गुरु जी को देना चाहते हैं, जो गुरु जी रोशन सर आपके सामने हैं। धन्यवाद आपका। और कुछ बताइए, बहुत खुशी झलक रहा है आपके चेहरे पर। बहुत खुशी सर। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, 2213 में मेंस आउट हो गए, जो कि आपका कोचिंग का नाम नहीं सुने थे उस समय। नाम सुने तो हो गया जी सर। मैं अपने रिजल्ट पहले से ही श्योर थे, इसलिए हम फॉर्म भरने से पहले फिजिकल स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि 164 मेंस से हम छट चुके थे एक नंबर से, उसका लगातार दौड़ नहीं छोड़े और लगातार लगे रहे और उसके साथ साथ पढ़ते भी थे। इस बार नंबर अच्छा खासा है। कितना क्वेश्चन सही था 100 में? 88 क्वेश्चन सही है। 88 सही क्वेश्चन, एक से एक धुरंधर है यहाँ पे। ये मोटिवेशन हमें तब आया जब सर जी बोले कि टॉपर को, टॉप 20 को बुलेट मिलेगा, तो और जोर लगा दिए। देख रहे हैं। और कुछ बोलिए। और क्या बोल? और कुछ ना, और पढ़ाई के बारे में बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। सर जी जो बताते हैं वो सब फ्लो तो करना ही होगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर जी का 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट सीरीज, उस टॉपर बनाने में वही हम रोल निभाएगा। विनय दुबे भी ये बात बोला था, 50 क्वेश्चन डिस्कशन वाला है ना, जो शाम में 7-9 होता है, आप लोग को बोलते हैं तो आप लोग को तो समझ में आता नहीं है। और कुछ? उस टेस्ट लगभग हम 8-9 लगाए। 8-9 और ये भी पता चल गया कि सर जी का क्वेश्चन कितने महीने बाद रिपीट होता है। अरे वाह, ठीक है ये पॉल मत खोलिए। पहले शुरू शुरू टेस्ट सीरीज से जुड़े थे तो 10-12 नंबर आता था, धीरे धीरे 7-8 महीना होने लगा, 45-46 पे चले गए, टॉप भी आते थे, हम ऑनलाइन लिए थे और घर से ही पढ़ते थे। चलिए तो देखिए, शुरू में जो 50 क्वेश्चन वाला था उसमें 10-12 मार्क आता था, और अंतिम जाते जाते 7-8 महीना जाते जाते 45 पे आ गया,
तो स्वाभाविक सी बात है कि बेहतर लड़का रहा है, 100 में 88 क्वेश्चन सही किया है, तो स्वाभाविक सी बात है टॉपर में तो इनका नाम आएगा ही आएगा। हम तो चाहते हैं कि आप टॉप 20 में आए, देखिए जैसा हो। चलिए, तो बुलेट के हकदार हैं यहाँ पे। चलिए आइए, तो अब आप आइए आइए आप। क्या नाम है आपका? राजवीर कुमार। राजवीर जी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था इनका ये। कहाँ से हैं आप? पूर्वी चंपारण जिला। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो आप एक बात बताइए कि क्वेश्चन बैंक को लेकर के आप क्या सोचते हैं, उस पर आपकी क्या राय है, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि हम इन लोगों को बोलते हैं क्वेश्चन बैंक करने के लिए, तो ये लोग तो हमारी बात मानते हैं नहीं। तो क्वेश्चन बैंक को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका जो भी विचार है वो आप बताइए। नहीं सर, क्वेश्चन बैंक निश्चित तौर पर देखना चाहिए, उससे अनुभव लगता है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह का पूछ सकता है, उसे आपका नोट्स या कोई बुक पढ़ते समय अंडरलाइन करके उसको माइंड में रखने का अच्छा ख्याल रखता है। ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत है सिलेबस, लेकिन उससे बहुत सारा अनुभव होता है। मैथ्री जी में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा है, ये सब उसी के अनुसार से आपका हम क्वेश्चन मंगले किए थे तैयारी। और इन लोगों को, ये तो मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो हम आपसे किए थे, और आप अपने तरफ से इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, दीजिए। हम सर यही कहना चाहते हैं कि हम फाउंडेशन बैच का लड़के हैं, 10 से 12 फाउंडेशन बैच वाले जी हैं। तो हमको लगता था जो इधर होगा टारगेट बैच में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अधिक पढ़ते होंगे हमसे, ऐसा कुछ नहीं। तो आप जब बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है बैच लेने का, पढ़ाते तो हम ही नहीं जी, बिट्टू जा इन पढ़ाते हैं, तो सब बैच में तो सेम ही चीज ना। आप बोले डेली टेस्ट सीरीज मारने के लिए, डेली टेस्ट सीरीज मारते थे और उसका डिस्कशन को कॉपी पर लिखते थे, कॉपी पढ़ते थे, बस यही था हमारा उसको जो नंबर स्कोरिंग में डेली टेस्ट सीरीज बहुत मदद किया। चलिए ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज देख रहे हैं फाउंडेशन वाले हैं और डेली टेस्ट सीरीज, समझ गए। और भी कुछ बोलना चाहेंगे? और आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है, और चलिए ठीक है, तो सफल होने की शुभकामना। और भी कुछ बोलना है? चलिए ठीक है, तो आ जाइए, अब कुछ लड़की को इधर लेते हैं, जो लोग बोल चुके हैं वो तो ठीक है, आ जाइए। तो आप आइए। तो इनके इनका फिजिकल जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो पर्सनली ये हमसे रिक्वेस्ट की कि जो है इंद्रेश सर को बोलिएगा हम पे विशेष ध्यान देने के लिए, और आप मेरा शिकायत नहीं कीजिएगा, ऐसे कुछ कुछ बोली थी, अब तो कोई बात नहीं, अब तो बोल ही सकते हैं क्या। हाँ तो जो है देखिए ऐसा नहीं है, देखिए अगर आपके पास प्रॉब्लम हो रहा है, हम तो हर किसी को बोलते हैं अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे इनके पास इनके साथ प्रॉब्लम था फिजिकल का, हमसे शेयर की तो तुरंत हम बात को संज्ञान में लेते हुए इंद्रेश जी को इन्फॉर्म किए, और इंद्रेश जी ध्यान दिए इन पर, ध्यान दिए या नहीं दिए, सही सही बताइए, हाँ या ना। चलिए तो मुस्कान आइए, इधर आइए, इधर आइए, सटिए इधर, यहाँ सटिए, बताइए पूरा नाम क्या है? मुस्कान कुमार। मुस्कान, कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? बेगूसराय। कहाँ से? बेगूसराय। बेगूसराय, बेगूसराय से हैं ये। तो कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों को? हम 2021 में पटना आए थे बीपीएससी के लिए, तो मतलब सर के बारे में हमको नहीं पता था, तो बीपीएससी का ही फुल्ली प्रिपरेशन करते थे मेंस वगैरह, तो फिर पीटी 67 का दिए तो उसमें मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेंस पे हम ज़्यादा मतलब फोकस कर रहे थे कि मेंस हो जाए, मतलब उतना कोई गाइडेंस नहीं था। तो फिर उस टाइम 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, और फिर एसआई का ही बस ऐसे ही फॉर्म भर दिए, तो फिर उसमें मेरा पीटी हो गया, और मेंस में मेरा 89 मार्क्स उस टाइम था, लेकिन वहाँ पे 7 के जगह मतलब 4 रोल नंबर भरा गया था गलती से मेंस रोल नंबर में, तो मेरा उसमें मेंस नहीं हुआ। और फिर टाइम थोड़ा बढ़ते गया, यहाँ पे बहुत टाइम भी हो गया, तो फिर हम सोचे अब हम बस एसआई के लिए ही प्रिपरेशन करेंगे, तो ये 1275 में मतलब सर का उस टाइम से ही मतलब 1213 से मेन से ही सर का मतलब हम उस फिर हम हमको पता चला कि नहीं से सर के बारे में, तो मेन से सर का मतलब प्रैक्टिस सेट जो संभला होता है बस उसी में हम आते थे, और फिर ऐसे भी मेरा थोड़ा प्रिपरेशन था भी, तो फिर 1275 में मतलब हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए, लास्ट जब 2 या 3 मंथ बचा था तो 5 से 7 वाला बैच में हम एडमिशन ले लिए। मतलब सर का ये मेरे जीवन में अहम रोल है कि सर को देख के हमको बहुत ज़्यादा डर लगता था
जैसे सर मतलब कुछ होमवर्क वगैरह ये वो, तो एक दिन पॉलिटी का फर्स्ट ही दिन आए थे सर, बोले पॉलिटी का होमवर्क है ऐसे, तो हम तो यहाँ तो नहीं पढ़े थे बट जाके हम घटना चक्र ये वो एक एक दिन में मतलब पूरा रिविजन कर लेना है कि सर कुछ पूछ ना दे। और उसके बाद फिर पीटी इसमें हो गया मेंस में, फिर सर का जो टेस्ट सीरीज वगैरह था वो बहुत मतलब फायदे रहा। सबसे ज़्यादा तो सर का मतलब हम तो बहुत लास्ट में ज्वाइन किए थे क्लास, सर का 2 मंथ बचा था तब, तो हम अगर जो सर को मतलब सर के मतलब क्लास से हमको कुछ फ़ायदा हुआ है तो क्वेश्चन पे मतलब ज़्यादा पकड़ कि क्वेश्चन कैसे मतलब टेकअप करना है, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है फिर भी उसको टिक कर देना है, तो जो 50 क्वेश्चन वाला है वो थोड़ा सर बहुत अच्छा करवाते हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। और हम क्या बोलेंगे सर, और मेरा जीवन थोड़ा बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, मेरे पापा मतलब नहीं है, 2015 में ही पापा मतलब, तो मतलब और अभी तक मतलब वहाँ जो है सबको लगता है कि कहीं चल गई है भाग गई है ऐसा वाला, घर भी हम नहीं जाना चाहते, तो थोड़ा मेरे लिए टफ रहा है बहुत ये वाला स्ट्रगल अपने से आना यहाँ। थैंक यू सर। वो क्या हर किसी का जीवन जो है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई नया कहानी होता है और उस कहानी के पीछे एक समाज होता है। समाज पता नहीं क्या से क्या कर देता है और क्या से क्या करवा देता है, और समाज हम ही आप लोगों से बनता है, ऐसा नहीं है कि समाज में कोई और लोग होते हैं, समझ गए। तो आप समझिए कि एक बेटी के सर से पिता का साया उठ जाना या किसी के भी सर से पिता का साया उठ जाना बहुत कष्टकारी होता है, अपने बहुत कष्टकारी होता है किसी भी किसी के लिए भी। तो खैर ठीक है, जीवन में संघर्ष था, आगे बेहतर होगा। चलिए अब आगे जो है बोलिए अब आप। मेरा नाम राजन कुमार है, मैं पूर्णिया से हूँ, यहाँ का रिजल्ट देख पूर्णिया वाले लोग ताली बजा रहे हैं, यहाँ का रिजल्ट देख के लग गया कि पूर्णिया का एजुकेशन रेशियो सही में कम है, आज पता चला इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि एकेडमी में भी बस 2 लड़का हम लोग पूर्णिया से थे, लड़की तो कोई थी ही नहीं पूर्णिया से, तो ये हाल है एजुकेशन रेशियो का सर, तो आज कन्फर्म हो गया कि डाटा सही था। ठीक है, तो आगे और कुछ बोलना चाहेंगे इन लोगों को? हम ये बोलना चाहेंगे अगर आप दरोगा बने या कोई भी कमीशन की तैयारी करें तो आप उसके जो स्पेशलिस्ट हैं, दरोगा अगर बनना है तो रोशन सर के पास आप कुछ करे या ना करे 50 मतलब क्वेश्चन वाला शाम का टेस्ट लगता है, अगर वो आप पूरा मेहनत से लगा लेंगे ध्यान से तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि हम सर का 2213 में पढ़े थे, सर जानते हैं मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हम घर चले गए थे कंटिन्यू, वहाँ घर पे हम बीमार थे 3-4 महीने तक, तो ये हाल था। उसके बाद जब ये मेरा रिजल्ट हुआ फ्री का, तो फिर मेंस में सर का जितना पहले का ड्यूज क्वेश्चन था सारा को यानी कि एक दिन में 3-4 क्वेश्चन देख लेते थे किसी का आईडी लेके, क्योंकि मल्टीपल आईडी था मेरे पास, किसी दोस्त का पार्टनर का भी आईडी था तो वहाँ से एक्सेस मिल जाता था सर, तो वो हम देख लेते थे। फिर उसको सारा को क्वेश्चन को लगभग 6-7 महीना क्वेश्चन कंपाइल किए और सबको हम मल्टीपल पढ़ते थे, और मेरा ये टारगेट रहता था अगर हम हिस्ट्री को स्टार्ट किए तो हिस्ट्री का आपका पूरा नोट्स को 1 से 2 दिन में पूरा ख़त्म कर देना है, वो ख़त्म करेंगे फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम 7 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते फिर डिवीजन उसी पर आ जाते थे। तो यानी मोर टाइम रिवीजन, हाँ ज्यादा ज्यादा हो सकता है रिवीजन। हम एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते थे सेंट्रल वाले का, तो पिछला बार मेरा सब कुछ हुआ था कंप्यूटर मेरा फेल कर दिया, वो तो उसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो फिर इधर आए, फिर बिहार एसएससी सचिवालय में थे आपके पास आए ही थे, सचिवालय मेंस में सब मेंस ही नहीं हुआ, और मेंस में हुआ था मेंस, क्योंकि आप जो बात सर दरोगा में बोले अगर सचिवालय पहले आप हम लोग को बोल देते सचिवालय आज हम हो गए थे सर, क्योंकि आप इसमें बोले थे किसी पे फोकस नहीं करना है अपने पे करना है और किसी को ना बताना ना पूछना है, ये सर दरोगा में आप लास्ट टाइम में बोले थे, और सचिवालय में सर हम लोग वहाँ थे आप ये बात नहीं बताए थे हम लोग को। और सबसे बड़ा बात कि सीनियर से बच के रहिएगा, इतना बेवकूफ बनाता है ना कि जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। सुनिए सुनिए, ठीक है सर, कोहिनूर जिसको 5 साल से ज्यादा समय हो गया, जो कांख में लुसेंट लेके आई से खैनी लटाएगा और वो बतियाएगा, ई मत करो वो मत करो, हम 5 साल से कर रहे हैं, हमारा नहीं हुआ तुम्हारा होगा, इस प्रकार का जो लोग है उससे एकदम बच करके रहिए। देखिए आपके सामने है,
समझ गए। बहुत बेवकूफ बनाता है यहाँ का सीनियर, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाता है यहाँ का सीनियर, समझ गए। जो काम एक बार में हो सकता है वो इतना डिमोटिवेट करेगा, अगर आप में कैपेसिटी भी होगा तो आप नहीं कर पाइएगा। बहुत बढ़िया बात बोले हैं, और कुछ बोलिए इस। उसके बाद सर कि जब मेरा ये प्री का एग्जाम था, मैं अभी LLB कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअली ये दे रहे थे तो मेरा एंट्रेंस निकल गया, तो मैं LLB में फिर एडमिशन ले लिए, तो मेरा 17 तारीख को ये पेपर था और 15 को मैं LLB का पेपर था। जब फिर ये देख आए तो मैंने फिर क्लास वहाँ फाउंडेशन कर दिया, क्लास जाना है, तो बार बार कठिनाई आपका आते जाएगा। तो सीनियर से बचने इसलिए बोले कि आपको सजेशन, आप जैसे मान चलिए आप हैं ग्रुप डी क्लर्क, आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं तुम UPSC क्वालिफाई एक बार में कर सकता है, और UPSC के पीछे आप पागल हो गए, पता चले ना ग्रुप डी मिला ना UPSC मिला। तो वही हाल हम सबसे पहले जब BCOM करे थे 2018 में, तो हम टैक्सेशन लॉ करने दिल्ली गए थे, तो हमें क्या बोलता है कि टैक्सेशन लॉ करेगा उस पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में शिफ्ट किए, 2-3 साल पढ़े, 2 साल एग्जाम ही नहीं हुआ, तो फिर वहाँ से आए पटना, तो पटना में आए तो एक लड़का संजय था, तो वो आपके बारे में बताया, तो हम ये जानते थे कि मैथ रिंग में तुमको जहाँ से जो पूछना है पूछो, डजेंट मैटर, GS हमको फोकस करना है। GS फोकस किए तो मैथ रिंग तो कभी पढ़े ही नहीं, क्योंकि पता था कि कहीं से देगा तो बन जाएगा, तो ये था। तो GS पढ़े, उसके बाद धीरे धीरे चलते गया, तो फिर जब ये पढ़े तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो हम फिर सोचे कि अब क्यों ना जुडिशरी का प्रिपरेशन करें, तो कल हम बुक खरीदने गए, फिर सोचे ना 3-4 दिन वेट कर लेते हैं, तो आज रिजल्ट आ गया, नहीं तो सर कल हम गए थे बुक खरीदने जुडिशरी का, कि अब चलो जज का ही प्रिपरेशन कर ले हैं। चलिए चलिए, लेकिन और ये कुछ? था कि चलो कुछ ना कुछ मिलेगा, और इस बार भरोसा था क्योंकि 89 क्वेश्चन मेरा सही था, सर के पास आए, सर बोले हो जाएगा 100% होगा, और सर ये फिजिकल में डाउट था, फिजिकल में डाउट 83 भी आ रहा है, 82 भी आ रहा है, तो आपका रिजल्ट 100% होगा। तो हमसे सर के अकॉर्डिंग भी हम 5-6 क्वेश्चन लीड ले रहे थे, तो मेरे प्रेशर था फिजिकल का, फिजिकल का मेरा इतना गंदा हाल था कि शायद वैसा किसी का होगा ऐसा नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम का होगा। फिर हम पटना कॉलेज गए, क्योंकि पीढ़ी के बाद हमें पता था एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि हम पढ़े थे, नहीं हो वो अलग बात है लेकिन अपने भरोसा निकल जाएगा। तो मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया, तो मेंस के तब फिर ज्ञानबिंदु फिजिकल अकेडमी प्रतीक सर पढ़ाते हैं वो, और सॉरी फिजिकल सर वो करवाते हैं, तो फिर वहाँ पे हुए। तो सर ये बोले थे कि मेंस से पहले कि फिजिकल करना है, बस दिन में 15-20 मिनट करना है एक टाइम में, तो हम वही दिन में एक टाइम जाते थे, 4-5 चक्कर दौड़ते थे, फिर वहाँ से आ जाते थे, बस कुछ नहीं एक्सरसाइज कुछ नहीं करना, जो हल्का हल्का करते थे वो करके आते थे। फिर मेंस के बाद जब 25 को पेपर हुआ, उस वक्त ये फिक्स हो गया कि रिजल्ट तो मेरा आ जाए, क्योंकि आंसर की सर से मिला लिए थे और सर से आके मिले भी थे हम, तो ये कन्फर्म था। मेरा पूरा फोकस था कि फुल्ली फिजिकल पर फोकस करना है, और ऐसा हो ही रहा था कि टाइम मिल गया। और इसमें एक चीज़ और है कि आप अपना मेहनत करते जाइए, किस्मत कब आपको मोड़ देगा कहना मुश्किल है। अगर 27 मार्च को फिजिकल होता तो हम क्या हमारे से बहुत वीर जो है गिर जाते मैदान में। सही बात, ये हाल था। टाइम मिल गया और टाइम को सही वे में यूज किए और अपना मेहनत किए। और मम्मी पापा जब टेंशन होता था नहीं होगा, तो मम्मी पापा बोलते अपना करो, नहीं होगा तो फिर जो होगा मन वो करना, गार्जियन का सपोर्ट था। तो ये सब बात था। और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि घर से इतना पैसा लेते थे कि उस पैसा कोई गिनती नहीं था, पैसा आता था चीन से ज्यादा में खत्म। अब बोलने में भी शर्म आए कि पैसा कहाँ से लें, क्योंकि एक एक महीना में 15,000, 20,000, 30,000 का बिल जा रहा था। घर वाले बोल रहे हैं कि कहीं साइड तो नहीं जा रहा पैसा, ये प्रेशर था। और मेरा नेचर सर ऐसा कुछ था कि एकेडमी में बोलते थे कि सर लड़की के पीछे पागल है, और हकीकत ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम मस्ती करते थे इसलिए कि अगर वो हम ना करेंगे तो हम फिजिकल करने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रेशर मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तो ये हाल था सर। चलिए आइए, तो आप आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सपना। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बेगूसराय। बेगूसराय वाले बहुत हैं, और पता है संस्थान में 1717 पोस्ट में जब रिजल्ट हुआ था तो उसमें 2 लड़की का रिजल्ट हुआ था, एक बेगूसराय की ही थी। अभी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही कार्यरत है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के SP के द्वारा जो है उन्हें सम्मानित भी किया गया, और एक मर्डर केस को जो है वो मर्डर केस को सुलझाना बड़ी मुश्किल होता है, एक मर्डर केस को वो 24 घंटा के भीतर सुलझा दी, और इसी वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो SP हैं वो उनको सम्मानित भी किए। और तो बेगूसराय वाले तो ठीक ठाक हैं, मतलब पढ़ने में, यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप कुछ बोलिए या फिर हम सवाल पूछें? हम ही पूछे सवाल। चलिए ठीक है। अच्छा, इन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? कुछ सजेशन दीजिए अपने तरफ से, दीजिए कुछ तो बोलिए। मैंने तो सभी कर रहे हैं। माइक सेटिंग, माइक सेटिंग।
मेहनत तो सभी कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से करिए, सफलता एक दिन तो जरूरी मिलेगी। ये बात बोली है कि मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। अच्छा, टेस्ट देते थे टेस्ट? हाँ सर। ऑनलाइन छात्रा है ये, समझ गया। और कुछ और बोलिए, और भी कुछ नहीं? चलिए आगे आइए। तो आइए, क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, कहाँ से हैं आप, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल, सुपौल से हैं। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है, कितना दिन से पटना में है? 2021 यानी तीन साल। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, चलिए। तो इन लोगों को कुछ अपने तरफ से सलाह देना चाहती हैं आप कि आपने ऐसा क्या किया? देखिए, तैयारी तो हर कोई करता है, जो सफल हुए हैं वो भी, जो असफल हुए हैं वो भी। आपने ऐसा क्या कुछ अलग किया कि आज आपका मेरिट बन गया है, इसको लेकर के आप कुछ बोलिए। एक्चुअली मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रही थी तो फिर उसमें नहीं हो रहा था। मैं बीपीएससी मेंस भी लिखी हूँ 69th वाला, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है एसआई में ट्राई करती हूँ। तो मेरे को पढ़ाई में तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, मतलब मुझे पता था मेरा हो जाएगा। था मेरे को ये फिजिकल का, तो मैं इसमें मेरा जो ये सिलेक्शन हुआ है इसमें पीयूष सर का और जीतू भैया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऐसा भी टाइम आता था कि मेरे को लगता था मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि मैं ट्रेनर है हाँ फिजिकल में, क्योंकि मैं ऐसा मतलब 8 to 9 hours लाइब्रेरी में रहती थी तो मैं कभी ना रनिंग करती थी ना कुछ। तो पीयूष सर बोलते थे नहीं आप कर लोगे, आप करो, आप बस कंटिन्यू करो। इवन ऐसा हुआ था कि मेरा 18th of June को मेरा फिजिकल था और जस्ट 2 days बिफोर मेरा ऐसा हुआ था मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, मेरे को सलाइन चढ़ा था एंड आई वॉज लाइक कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सर मेरे को बोले थे सब हो जाएगा, आप ये गेट पास लेके आओगे। और बस मैं यही सोच के गई थी कि मेरे को क्या हुआ है, मेरे को फीवर था। इवन रनिंग के बाद ऐसा हुआ था मेरे को फीवर आ गया था हाई जंप से पहले, बट मैं सोची थी कि मेरे को सोचना ही नहीं है कि मेरे को फीवर आया है, मेरे को पेन हो रहा है बट मेरे को सोचना ही नहीं है। और फिर ऐसे ही करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा हो गया। तो अब क्या बोलते हैं, क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को जाता है, मुझे जाता है, सर को जाता है और पीयूष सर एंड जीतू भैया को जाता है। सो थैंक्स टू यू सर, थैंक्स टू पीयूष सर, जीतू भैया एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। आगे अब आ जाइए, आप बोल दिए हैं, आइए। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार कटियार। आशीष जी, आशीष किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? कटियार डिस्ट्रिक्ट से। कटियार, कटियार वाले कौन कौन है जी? कटियार वाले, चलिए। पापा क्या करते हैं आपके? ऐसे घर में एक दुकान है। दुकान है। सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे? बिटू सर बताते थे कि अगर मतलब जो आपको जरूरत का समय उसके अलावा जो भी समय मिले पढ़ते रहिए, बस वही मेरा फोन। मतलब बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनके कहने का मतलब ये था, मतलब पढ़ने का कोई टाइम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से भी पढ़ने का कोई टाइम नहीं होना चाहिए कि हम 6 घंटा पढ़ेंगे, हम 8 घंटा पढ़ेंगे, हम 10 घंटा पढ़ेंगे, नहीं। बल्कि जो अपना टाइम है, जो आवश्यक क्रियाकलाप है, उसके अलावा जो भी टाइम बचता है उसमें सिर्फ पढ़ाई करना है। इसके अलावा और आप कुछ करना चाहेंगे? जी बोलिए। मेरा मतलब कि रहा है कि जैसे जितना भी गलती हो रहा है उसका एक नोट्स बनाते रहें, और मतलब 2213 वाला में एक क्वेश्चन से बाहर हो गया तो वो क्वेश्चन मेरा इजी क्वेश्चन था, जो 10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन गलत हुआ था। चलिए। तो उसमें लगा कि नहीं मतलब कि लगातार अगर जो मेरा कमजोरी है उस पर काम कर रहे हैं तो आगे हो जाएगा। तो उसके बाद उस पर हम मतलब नोट्स बनाते गए और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम दिए तो प्री तो निकल ही जाता, जैसे बिहार CGL का मेंस थी तो मेंस नहीं हो पाया, BPSC मेंस लिख कर आए हैं और अभी 64 पोस्ट वाला का फिजिकल है 16 तारीख को। और 64 वाला का फिजिकल है जी, तो वही है कि गांधी जी मतलब कि उनका स्टेटमेंट में कि जब हम समय पर शासन करते हैं तभी शासन है, तो बहुत ज़्यादा कारगर है ये। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आप में कमी हो उस कमी को लिखते जाइए और उस पर काम करते जाइए तो सफलता मिल जाएगा, यही ना? और भी कुछ नहीं, और कुछ, ऑल द बेस्ट सबको। बस यही कहेंगे कि गलती पर मतलब जितना ज़्यादा कमांड हो और स्ट्रेट प्रैक्टिस कीजिए और उसमें उसका डिस्कशन ज़्यादा कीजिए और उसके बाद उसका नोट्स बनाते रहिए। और 50 क्वेश्चन वाला डिस्कशन की बात करें तो 2213 में
बेस तो नहीं लिए थे, लेकिन सर का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करते थे। तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल आता है, अगर एग्जाम में किसी भी तरह क्वेश्चन देता है, जैसे इस बार 64 पोस्ट का क्वेश्चन टफ था हाँ। तो इसलिए कटअप भी कम गया। तो उसमें क्या था कि हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट था, तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कि उसके बारे में पता रहेगा तो उसको आप मतलब क्वेश्चन एलिमिनेट करके भी आप बना सकते थे, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है। तो वही सर का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन था, तो जब करते थे तो सब बोलता था कि क्या ये सब इतना टफ क्वेश्चन दरोगा में नहीं पूछता है, यूपीएससी वाला क्वेश्चन है। तो हम कहते थे कि नहीं, थोड़ा सा इससे होता है कि सोचने का लेवल बढ़ता है। तो वो क्वेश्चन मतलब कि वो सब चीज़ जो किए तो आगे अभी मतलब काम दिया बीपीएससी में भी 64 पोस्ट में भी हालांकि। और दरोगा का अगर पीटी की बात किया जाए तो पीटी में क्वेश्चन इस बार टफ था, 64 पोस्ट हो या इसमें भी, तो वो भी मतलब कि आपका 50 क्वेश्चन बहुत फायदेमंद है। चलिए, तो 50 क्वेश्चन डिस्कशन का समर्थन इनका भी रहा है, समझ गए। चलिए आगे और कोई लड़की जो नहीं बोली है, आ जाइए। क्या नाम है आपका? माही। कहाँ से हैं आप? जमुई। जमुई वाले कौन कौन है, जी हाथ खड़ा कीजिए। तो सब, चलिए, क्या करते हैं पापा आपके? कुछ नहीं, उनके आखिरी उम्मीद है। और कुछ नहीं करते हैं? नहीं, पापा बिजनेस करते हैं। और नहीं बोलना है सर। कितने भाई बहन हैं? चार बहन दो भाई। बड़ी हैं छोटी आप? सबसे छोटी हैं। बाद बाकी सबका शादी हो गया? सबका हो गया। तो आगे कुछ बोलिए इन लोगों को। हमको तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरा रिजल्ट भी हो गया है। होता है कभी कभी। चलिए आइए, तो अब आप, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार यादव। यादव जी हैं, कहाँ से हैं आप? मधुबनी से हैं। क्या करते हैं पिताजी आपके? किसान हैं। पिताजी किसान। कितने भाई बहन हैं? तीन भाई बहन हैं। भैया जॉब में हैं। भैया जॉब में जी। कौन से जॉब में? बिहार पुलिस में हैं। जी, तो आगे और बताइए इन लोग, क्या सलाह दीजिएगा? सलाह ये देंगे, मेहनत तो सभी करते हैं, सफलता ईमानदारी से कीजिएगा तो जल्दी मिल जाता है। हाँ, यही। और बड़ी बात ये है कि सर, मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। 2213 में हम किए थे कि पीट, मेरा तैयारी ठीक ठाक था, रिजल्ट हो जाता, लेकिन हम रोल नंबर गलती भर का आए थे। रोल नंबर मिस्टेक होता है, मिस्टेक किए थे उस टाइम। हम भैया के पास ही रह के तैयारी करते थे। ठीक है। कभी कभी भैया मतलब ऑफिस में काम करते थे तो सेट निकाल के देते थे आपका, तो हम मारते थे तो बहुत कम नंबर, 50-52 नंबर उस टाइम में मेरा आता था। हम कहते थे कि बहुत टफ है, कल आप ला के देते हैं, मनोबल डाउन हो जाता है। और सेट मारते हैं तो 75-80 आता है, इसमें 50-52 पर लटक जाते हैं। फिर इसके बाद इधर आए पटना बैच में, हम 2022 कौन सा बैच में, 2022 में आए। हम यहाँ 50 टेस्ट सबसे पहले आए, तो मेरा 50 टेस्ट। और जितना सेट होता है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, जो भी सेट है वो सब सेट हम देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात मेरे वो हुआ कि मतलब क्वेश्चन पकड़ने का वो हो गया कि 50 वाला से क्वेश्चन का एक आइडिया लग गया, आइडिया अपना से क्वेश्चन बना लेते। तो हम रूमे पर जब डिस्कशन करते थे 4-5 लड़का, सब बोलता था कैसे तू क्वेश्चन बना लेता है, अपना से ऑप्शन कैसे बना लेता है। वही बात था। और मेरा अच्छा नंबर भी था पीटी मेंस में। कितना क्वेश्चन सही था? 88 था सर मेंस। 88 क्वेश्चन इनका भी सही, तो टॉप 20 में आने का चांस है आपका। जी सर, देखिए बुलेट के हकदार हैं आप। इसके बाद फिजिकल के लिए हम और कुछ आप ही के यहाँ से भोजपुर में किए थे। भोजपुर में, चलिए ठीक है। चलिए आप, हम मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया है, आप नहीं दिया। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार सर। चंदन जी, कहाँ घर है आपका? गया। कौन सा बैच में थे आप? थर्ड बैच में सर। थर्ड बैच, 5-7। यस सर। 5-7। और कभी पिटाई खाए? हमको नहीं लगता पिटाई खाए। नहीं खाए? पिटाई नहीं खाए। होमवर्क करते थे? और बताइए कुछ संस्थान के बारे में, कुछ बताइए संस्थान का, कुछ निगेटिव चीज बोलिए तो। आप कुछ निगेटिव बोलिए तो, आपको क्या, हमारा क्या खराब लगा कुछ बताइए। अभी तक खराब कुछ भी नहीं लगा सर। कुछ नहीं लगा खराब हमारा।
पिटाई नहीं खाए इसी वजह से बोल रहे हैं। और बताइए। हम यही चीज बोलना चाहते हैं सर कि हमेशा बोलते हैं कि सिलेबस पे समझ और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ आपको सफलता की ओर ले जाने में बहुत मदद करता है। और बीटू सर एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आपका सेट में 75 आ रहा है तो 25 को देखिए, 75 को नहीं देखिए, 75 तो आपका हाई है, 25 कहाँ जा रहा है इस चीज पे। तो 25 पे आप ज्यादा काम करते थे इसका मतलब है ना। चलिए चलिए ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? चलिए आप बोलिए। तो क्या नाम है आपका? सुजीत पासवान। सुजीत जी कहाँ घर है आपका? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी, मधुबनी से हैं सुजीत जी। और कुछ बोलना चाहेंगे कि कुछ बोलिए आप अपने बारे में, कुछ बोलिए। हम पूछ ले, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट सेल्फ स्टडी, पहला अटेम्प्ट। चलिए ठीक है। सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे? सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटा करते थे, बाद में आके आपसे जुड़े थे 2021 से। 2021 से 2021 रेगुलर थे सर, 50 क्वेश्चन वाला सेट आपके हम 2 साल, जब तक पीटी हुआ ना मेरा, हाँ 1275 वाला, हाँ। तब तक मारे हैं 50 क्वेश्चन वाला सेट और 100 क्वेश्चन वाला सेट भी मारे थे। और यानी 2021 से जुड़े हुए हैं? सितंबर से सर, सितंबर 2021। और पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है सर। किसान है, संभाल रखे। चलिए और कुछ बताइए। और दरोगा इन लोगों को क्या करना चाहिएगा? इन लोगों को क्या करना चाहिएगा? यदि आपको दरोगा बनना है ना तो ज्ञान बिंदु में आइए, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है सर, जो बोलते हैं ना सर के थ्रू काम कीजिए और दरोगा बन के जाइएगा यहाँ से। चलिए आगे, आपका क्या नाम है बताइए, आपका घर कहाँ है और नाम क्या है बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सुपौल। पापा क्या करते हैं आपके? पापा छोटे मोटे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ भैया मजदूरी करते हैं इनके पिताजी। और ये जो है पुराने छात्र हैं हमारे, हमको लगता है थोड़ा बहुत बदमाश भी है, शुरू में थोड़ा बदमाशी करता था वहाँ पे जिस क्लास में, अब हम क्लास नहीं लेते हैं, मैथ वाले सर क्लास लेते हैं, उसमें इनका बदमाशी थोड़ा बहुत हमको पता चला था, समझ गए। तो जो है बताइए कुछ। वो गलत जगह रहते थे तो थोड़ा मेंटली होता है ना, तो वो थोड़ा हो गया था। बोलिए बोलिए बोलिए। और अपना बारे में बताना चाहते हैं, हम CDS की तैयारी करने आए हुए थे तो, और 22 से 13 CDS में नहीं होता था, बार बार नहीं होता था, फिर SSB देने जाते थे, SSB नहीं होता था, फिर 22 से 13 में सर निकाले थे 1 मंथ के, उस टाइम रिजल्ट अठी दिया था, मतलब उसका क्या बोलते एग्जाम का डेट दिया था 1 मंथ के लिए, शायद सर बैच निकाले थे 700 रुपया में, तो उसी में हम आए थे और सर से एक बार ऊपर जाके सोचे, एक बार मेरा ही बगल का सर है सहरसा सर कहें तो एक बार मिल लेते हैं, तो सर हम जाके पूछे तो सर पूछे थे कि कहाँ रहते थे, हम बोले मेरा घर सुंदरपुर है सर, भाई पूछबो कि सर पंचकसिया जानते हैं, तो हम बोले हाँ सर हम जानते हैं, तो उसी टाइम आए हुए थे, उसी टाइम से जुड़े हुए 700 में, फिर लॉकडाउन लग गया तो हम लोग को ये फायदा हो गया ना, 1 साल तक पढ़ाए सर, लॉकडाउन के बाद एग्जाम हुआ तो 1 साल तक पढ़ाए, तो फुल्ली 1 साल तक 4 दोस्त हम लोग थे, सभी लोग एक जगह रूम भी लिए हुए थे और पढ़ रहे थे पूरा 1 साल तक पूरा पढ़े, फिर उसके बाद तब उसमें PT ही नहीं हुआ, गलत जगह रहते थे थोड़ा, PT नहीं हुआ, एनवायरमेंट का भी असर पड़ता है समझे, तो आप कहीं भी पढ़ते हैं यहीं पढ़ते हैं, अगर गलत जगह रहिएगा, सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट थोड़े हो जाएगा, मतलब दोस्त अच्छा होना चाहिए, संसर्ग लोगों का अच्छा होना चाहिए, इनके कहने का मतलब ये है, इनका इशारा इस और है। आगे बोलिए। और उसके बाद फिर तब जैसे 64 का पोस्ट मद निषेध वाला आया था तो वो मेरा पहला था, PT निकला, मेंस भी आया, तो बस 2 क्वेश्चन से उसका मेंस मेरा नहीं हुआ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और हो गया कि नहीं और पढ़ना, तो उसके बाद बार बार पढ़ते रहे। और भैया जितना भी यहाँ सब बताएं, लेकिन पढ़ने का एक दीदी बोली है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट, तो वो टाइम मैनेजमेंट देखिएगा लास्ट में जो मतलब पुराने हैं तो सर देते हैं कि होमवर्क, मतलब कोई चैप्टर है उसको लिख के सर देते हैं कि भैया आज भर आज करना है, फिर देते हैं कि दूसरा उसका हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे करके देते हैं, तो वो आप लोग कोशिश कीजिए कि अभी से ही करें, आप उसको क्या कीजिए ना, मतलब जितना भी अगर हिस्ट्री का एक टॉपिक है या फिर उससे आधा ही हम मेरे बस का है या क्वेश्चन है, तो वो आप लाइब्रेरी जा रहे हैं रूम में जा रहे हैं डेली आप उसको चिपकाइए, फॉर्म लागिए उसका पिन आता है सेफ्टी पिन, उसको चिपकाइए डेली चिपकाइए, और लाइब्रेरी में कभी कभी होता भी है वो चिपकाइएगा ना तो बगल वाला आपका फाड़ देगा, अरे क्या कर रहा, मेरे साथ भी होता था, लेकिन फिर भी हम करते थे, उसको जो मेरे से हो जाता था उसको टिक लगा देते, चल ये मेरे से हो गया,
ठीक उसी तरह से सब सब्जेक्ट लीजिए और करते जाइए उसमें। और क्वेश्चन बैंक जो है ना, ये कहावत ना कतई जहड़ है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, उसको आपको डेली देखना है क्वेश्चन बैंक डेली। उसे अभी देखिए मदनिषेध में देखिए हूबहू क्वेश्चन है, सर जो दिखाते थे हम उससे हूबहू क्वेश्चन है। जरूरी थोड़ी है कि रिपीट क्वेश्चन, उसका जो डिस्कशन है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, वो कीजिए। और वो तो लास्ट में देंगे ही सर कि होमवर्क मतलब ये चैप्टर पढ़ना है, इतना से इतना पढ़ना है, तो अभी से आप आदत लगाइए ना। आउ टाइम मैनेजमेंट आप उसको जब तक नहीं कीजिएगा, आप इधर जाना ही नहीं, आप खुद नहीं जाइएगा। और आप लोग टेंशन इसका लीजिए ना कि आज नहीं पढ़े, ये नहीं कि घर से कौन बोल दिया, क्या बोल दिया, आज पापा बोल दिए फिर उसको बोल दिए, तो वो चीज़ का टेंशन नहीं। उसमें मेरा टिक कितना लगा है और कौन कौन सा मेरा बच गया है, उसी तरह से देखिएगा कुछ दिन में आपके पास कुछ पढ़ने के लिए बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। आपका अपना सिलेबस आपको पता है, मैथ रीजनिंग स्पीडी पर्लूसेंट पढ़ना थी कैसे कर लिए करेंट के लिए पढ़ना ही है, तो वो तो सर बताएंगे, बस उसी को करते जाइए ना। आपके पास टाइम ही नहीं है कहीं जाने के, अगर सोचिएगा भी ना तो वो एक कुछ दिन में आदत लग जाएगा, आप सोच के भी उसको जब तक कंप्लीट नहीं कीजिएगा नहीं जा पाइएगा। सर दर्द करता रहा, मेरा खुद रीढ़ का हड्डी दर्द करने लगा, लेकिन इधर करवट मार के उधर करवट मार के लाइब्रेरी में, हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो वो आप खुद से करते जाइएगा और खुद से पता नहीं चलेगा आपका रिजल्ट भी हो जाएगा खुद से, हमको खुद लग रहा है कि कैसे हो गया, तो इसी तरह उससे चलिए देखिए। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अपना एक टारगेट ले करके चलिए कि हमको ये करना है, फिर आगे हमको ये करना है, आगे हमको ये करना है, समझिएगा। तो दो चीज जो है, एक तो अच्छे लोगों के संसर्ग में रहिए, पढ़ते तो ये पहले भी थे लेकिन थोड़ा गलत लोगों के संसर्ग में थे, लेकिन इस बार अच्छे लोगों के संसर्ग में रह करके पढ़ाई किए। और इस बार जो है पर्सनली आकर के हमको बोले कि हमको जो है जाना है फिजिकल करने के लिए समस्तीपुर, और इनको हम पर्सनली भेजे फिजिकल करने के लिए, और अंतिम रूप से जो है आपको चयनित हुए हैं, बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। और भी एक चीज़ सर को बोल रहे थे, वो जो टेलीग्राम पे 100 क्वेश्चन का जो शुरू में कुछ ठंड क्विज होता था, वो क्विज को सर एक तरह से पैड करके और कुछ मिनिमम ले गया, उसका कंटिन्यूटी की करवाइए सर। उससे क्या होता है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन सबका प्रॉब्लम रहता है, आप किसी से पूछे तो वो कहेगा अरे मेरा तो इजी क्वेश्चन चल गया, इजी क्वेश्चन ही हम गलत करके चलाएं, तो उससे कहीं ना कहीं छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत हेल्प मिलता है, वो आपका डर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे ना। छोटा उस समय छोटा छोटा ही क्वेश्चन डालिए, और वो टाइम 30 सेकेंड रहा था ना, वो बहुत धक धक करते रहता, वो 30 सेकेंड जा रहा है क्लिक करने में, ये होगा ये होगा, तो वो क्यूज का क्वेश्चन ना बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है, बहुत ज़बरदस्त वो। और सर के पास आइए तो बुक तो हमको लग रहा सर का इतना कीजिएगा तो आपको ना तो घटना ना दृष्टि पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, मेरे पास खुद टाइम नहीं मिलता ना हम कभी खरीदे हैं, तो वो अभी से सोचिए कि आप लोग लाइब्रेरी में वही चीज़ कीजिए या फिर अपना रूम में कीजिए डेली का टारगेट कि आज हमको या तो रात में आप चिपकाइए या फिर सुबह में आप जैसे फ्रेश होते हैं उसमें कीजिए, और सुबह का टाइम सोचिए कि हमको किसी तरह से ज़्यादा पढ़ लेना, और शाम में है कि शाम के टाइम में बस वीडियो वीडियो जो सर का है या जो भी देखने के लिए रखिए, और इसको पूरा कीजिएगा डेली, बहुत अच्छा लगेगा, आप अच्छे से उसमें टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, जो बोले कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। और फिजिकल का जहाँ तक रहा तो मेरे बस का यहाँ नहीं हो पा रहा, नहीं हम सही से खाना खा पा रहे थे और नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम चले गए जुनून रैकेट में, और जुनून रैकेट में हम तो कह रहे कि अभी आप लोग फिजिकल क्या फिजिकल छोड़ दीजिए, पीटी और मेंस के पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा मोरा अगर शरीर पर ध्यान दीजिए कि मतलब शरीर का है कि थोड़ा अगर ज़्यादा वर्क मिले वहाँ तो फ्रैक्चर ना हो, इतना अपना फिट रखिए, और वहाँ एक मंथ भी काफ़ी है सर, इतना इतना पर्सनल करते हैं अमरजीत सर पर्सनल, इतना ज़बरदस्त आपका एक मंथ बहुत बहुत ज़्यादा है, 4 टाइम दौड़ाते थे 4 टाइम, आप यू राकेश लाल से पूछिएगा शायद उसका नहीं हुआ, उसका फिजिकल गिर गया, उसको जितना सर दौड़ाए ना हम लोग को ग्रुप में किसी को नहीं दौड़ाए, पर्सनल आते थे अकेले रात में जब हो तब उसको उठा के, खाना खा रहे हैं खाना खा लिए चलो बेटा, वो 2 घंटा 3 घंटा उसमें कैपेसिटी है वो दौड़ लेता था, तो फिजिकल का अभी से उतना नहीं दीजिए बस, हाँ शरीर को फिट रखिए। और चलिए आगे आगे, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज जी कहाँ से हैं आप? हम बांका से हैं। बांका डिस्ट्रिक्ट है जी, कोई बांका वाले हैं? हाँ है उधर बांका वाले, बताइए इन लोगों को, सबको बताइए आप। हम हॉस्टल का लड़का है ये, बताइए। हम जो है 2213 से ही दरवा का तैयारी शुरू किए हैं, 2213 जब सर से नहीं जुड़े थे तो मेरे अंदर में पढ़ाई मेरा ठीक ठाक चलता था लेकिन कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, कॉन्फिडेंस का कमी था, कॉन्फिडेंस बहुत कमी थी, जिसके वजह से हम थोड़ा एग्जाम में अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते थे, ऐसे हम बीपीएससी मेंस भी लिखे हैं लेकिन वही मेरा होता था जैसे सर कहते हैं कि किसी एक चीज़ पर फोकस करना है तो मेरा फोकस एक चीज़ पर नहीं होता था, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम आता था एनटीपीसी का तो वो भी देते थे,
बिहार एसएससी आता था वो भी देते थे, दरोगा आता था वो भी देते थे, बीपीएससी का प्री आया तो उसकी भी तैयारी करते थे। तो इस वजह से जो है एक चीज़ पर हम फोकस नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से जो है फाइनल में 100% नहीं दे पाते थे किसी एक तरफ, जो कि मेरा नहीं हो पाता था। तो इस बार जो है हम सर से जुड़े, उसके बाद सर से तो पहले ऑनलाइन 2213 में ही जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार जो है फाइनली रूप से जो है ऑफलाइन जुड़े और उसके बाद हॉस्टल में जुड़े। तो सर से जैसे जुड़े तो हमको मतलब सर को देखने के बाद ही, सर को देखते ही हमको बहुत कॉन्फिडेंस आता था अंदर से कि नहीं सर जो जो बता रहे हैं बिल्कुल 100% सही बता रहे हैं, और हम उसको अक्षरशः जो होता है ना फॉलो करना, उसको फॉलो किए, चाहे वो नोट्स हो या तो क्या कहते हैं वो स्टडी प्लान हो, कुछ भी हो, जैसे सर बताए वैसे किए। हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे तो रात रात भर लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे, और ऐसे हम रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उसके वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें मेरे सिलेक्शन में सर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, और हॉस्टल में सर हमेशा बोलते हैं कि कोई भी जहाँ जो भी स्टूडेंट अभी या तो असफल या सफल जो भी हैं, हमेशा सर बोलते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो किसी एक चीज़ की करिए, ताकि उसमें आप जल्दी सक्सेस हो सकें। ऐसा नहीं हो कि आप चारों तरफ दिमाग लगा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने में देर लगती है। तो इसीलिए हम भी आप लोगों से बस यही कहेंगे कि आप जो भी करते हैं परीक्षा सब दीजिए, फॉर्म सारा भरिए, उससे एक्सपीरियंस मिलता है, परीक्षा देने से आपको क्वेश्चन टेकल करने का मिलता है। लेकिन हाँ, तैयारी एक चीज़ करिए, ऐसा नहीं है कि दरोगा तैयारी करने वाले भी आरएसएससी नहीं कर पाएंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको दरोगा के लिए भी मैथ रीजनिंग पढ़ना है, बीआरएसएससी के लिए भी मैथ रीजनिंग पढ़ना है, 20-25 उसमें भी मैथ है, रीजनिंग है। रीजनिंग तो ऐसे भी बिहार के स्टूडेंट का रीजनिंग स्ट्रांग होता ही है, कहीं ना कहीं तो आप पढ़े हुए ही होते हैं, आपको तर्क शक्ति उतना सर आता है कि आप रीजनिंग बना लेते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि फोकस कीजिए एक चीज़ पर, एग्ज़ाम सारा चीज़ दीजिए। और मैथ जैसे आप यहाँ, हम जो मैथ एक प्रोबेबिलिटी वाला मेंस में आया था मैथ, वो यहाँ जो प्रभु सर बताए थे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा मैथ, एक भी मैथ बाहर नहीं गया है, ना ही तो आप जो भी पढ़ाया गया है उनसे देखिए। हम लोग हॉस्टल में भी किए थे, बाकी और भी जो भी क्लास में पढ़ाया था, तो मेंस के क्लास में भी बहुत लोग देखे भी होंगे हमको कि मेंस के क्लास में हम बैठते थे यहीं आसपास में। तो जो भी प्रभु सर मैथ के बारे में बताए, सर बताए, बिट्टू सर बताए, जो भी बताए हैं, मतलब क्वेश्चन वहीं से आया है, और आपको 100% नहीं लाना होता है किसी भी चीज़ में। अभी भी देखिए मेरिट गया है आपका 81 कुछ, तो 100% कोई चीज़ नहीं होता है। तो मेरा मैथ एक क्वेश्चन गलती हो गया, तो उसके वजह से हमको लग रहा था कि शायद लगता है कि मैथ मेरा ये गलती हो गया मेरिट। जब भी सर ऊपर जाते थे हॉस्टल में, सर से मैं की बात पूछ, सर मेरा मेरिट बन जाएगा ना, सर हमेशा बोलते थे नहीं बने था ये मेरिट बन जाए। क्योंकि हम जो है एक दो ऐसा इजी क्वेश्चन गलत कर दिए थे, जिसके वजह से हमें लगता था कि शायद हम आउट ना हो जाएं। क्योंकि आप अंतिम रूप से सफल तभी होते हैं जब आप पूरी तरह से आपको 100% आपको लगता है कि नहीं हम दिए हैं, और इजी क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं तो आपको बाहर का रास्ता तो देखना ही पड़ता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हमने सही किया था और जो कि मेरा सिलेक्शन में अभी योगदान रहा, और हम दो तीन ऐसा क्वेश्चन डाउट में भी रखे थे जो कि कोई बोलता था कि ये आंसर होगा वो आंसर होगा, उसको हम काउंट ही नहीं किए थे। तो शायद हमें लगता है कि वो सब मेरे लिए ज़रा पॉजिटिव हुआ, और जिसके वजह से हम वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किए। सर बोलते हैं कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र करने में आपको समय लगता है, लेकिन समय लगेगा, लेकिन एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। लेकिन वही है कि आप लगन से मेहनत कीजिए और फोकस रखिए अपने गोल के प्रति, आपके डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन होगा फिर आपको समय लग जाएगा। बस इसमें हम विशेष नहीं कुछ कहना चाहेंगे, बल्कि स्टडी का प्लान सबका अपना होता है, सबका सुनिए, अपना कीजिए, और 50 क्वेश्चन का हम भरपूर समर्थक हैं, वो आपका पिलर तैयार करता है, वहाँ से आप क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, और जिससे ऑप्शन अगर आप इलिमिनेट कर सकते हैं तो आपको ये संभावना रहता है कि 90% वो आपका सही होगा। धन्यवाद। चलिए सोमदत्त, क्या कहते हैं, फिजिकल तो इनका बड़ी शानदार था, फिजिकल के बारे में तो कुछ पूछना ही नहीं है इनसे। फिजिकल कैसे इतना अच्छा बनाया आप? सर शुरुआत से क्रिकेट बहुत खेलते थे तो दौड़ अच्छा हो ही गया था। और क्रिकेट खेलते थे ना। अच्छा सोमदत्त, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? मधुबनी। मधुबनी, अच्छा हॉस्टल में आप कैसे, आप तो हॉस्टल में आए, कैसे आए हैं? मेरा एक दोस्त था, वो आपके बारे में बहुत बताए थे, तो शुरुआत से ही आपसे जुड़े हुए थे। और मुझे पता नहीं था, तो 23 में आए ही थे शुरुआत में। अच्छा तो, कुछ बोलना है आगे इन लोगों को, बोलिए कुछ। आप पूछे सर। हम पूछे जे? हम क्या पूछे बताइए ना, बोलिए ना, आप ही कुछ बोलिए। पूछे, पापा क्या करते हैं आपके?
पापा नहीं है सर। पापा नहीं है? ओ, तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता था? माँ है, प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती है। माँ क्या? प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती है। माँ प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती है। और भाई? भैया था ऊपर ही रहा था, अभी कुछ दिन से काम कर रहे हैं तो अब मदद करते हैं। अब मदद करते हैं, चलिए ठीक है। माँ तो आपके लिए बहुत बड़ा त्याग की है क्या? माँ का तो आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और इन लोगों को कुछ बोलिए। सर से एक ही बात सबसे अच्छा लगता है सर का, कि हमेशा बोलता है पॉजिटिव सोचने के लिए, हमेशा कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और सर से सीखे हैं कि त्याग बहुत ज़रूरी है। मैंने भी लगभग जितना भी एक साल में त्यौहार हुआ 2023 में, एक भी त्यौहार को अटेंड नहीं किए हैं। सर से सीखे हैं ये, क्योंकि आप आपका वही होगा जो जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं किसी से, तो वो हमेशा उसको आपको आगे ले जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सोमदत्त जी, अब हम किन से सवाल नहीं आपसे कर लिए हैं? मुकेश जी नहीं किए? चलिए, बहुत गंभीर है, गंभीरता सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत गंभीर लड़का है ये। और देखिए, रिजल्ट होने के बावजूद, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, हमको लगता है आप घर नहीं गए हैं, सही बात है क्या? 3 साल से घर नहीं गए, 2021 में आए थे सितंबर। 3 साल से घर नहीं गए हैं, बताइए। तो फिर से एक बार ये चरितार्थ हुआ, त्याग, सफलता त्याग मांगता है, त्याग। कहाँ घर है आपका? मधुबनी। मधुबनी, मधुबनी वाले हैं यहाँ पे ना। क्या कहते हैं पापा, क्या करते हैं आपके? वो भिवंडी में रहते हैं सर। क्या मतलब? बॉम्बे में रहते हैं, काम बॉम्बे करते हैं, में रहते हैं, काम करते हैं। और कितने भाई बहन हैं? एक भाई है, 3 बहन है, एक को शादी हो गया, 2 को मम्मी को बोले थे कि मतलब मम्मी परेशान हो रही थी कि जल्दी कर दे जल्दी, हम बोलते थे कि मतलब अभी रुक जाइए, हमको होने दीजिए, उसके बाद हम कर देंगे। चलिए, तो पिताजी मुंबई में काम करते हैं, बताइए। तो और इन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आप में गंभीरता बहुत है, गंभीरता कहाँ से लाए हैं आप? इतना तो गंभीर हम भी नहीं रहते हैं जितना आप रहते हैं। बताइए, हॉस्टल कलर का है इसको, हम देखते बहुत शांत रहता है, आया अपना खाना खाया निकल गया, पता नहीं चलने देता है। बोलिए, मतलब शुरू से ही नेचर ही ऐसा है, पता नहीं। और डिस्ट्रैक्शन से दूरी रखिए, मतलब मोबाइल से या कोई भी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं रखिए, और अच्छा से पढ़िए, लगातार पढ़िए, मतलब जितना होमवर्क या जो भी है उसको पूरा कीजिए बस। चलिए ठीक है, और कुछ विशेष विशेष इन लोगों के लिए कुछ भी, कुछ अलग अंदाज में, जैसे रोहित शर्मा जो है कप पकड़ा अलग अंदाज में, वैसे ही कुछ अलग अंदाज में कुछ कहना चाहिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। क्या अलग अंदाज सर, मतलब अच्छा से पढ़िए, दरोगा के लिए आए हैं तो अच्छा से पढ़िए और मतलब नौकरी लेके जाइए, कसम खा लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी से हॉल्टली बोलिएगा, यस सर, क्या ज्ञान बिंदु माने में सच में दरोगा बन जाएगा लोग? सच में बन गए सर, मतलब निकला था इससे पहले भी एक्सरसाइज, लेकिन हम हॉस्टल में आए तब ये मेरा रिजल्ट फाइनल हो गया। चलिए, आप तो पुराने हैं हमारे, पुराने स्टूडेंट हैं आप हमारे, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, इनकी जानते हैं, इनकी यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो नज़रों पे चढ़ जाते हैं। सामान्य तौर पर आप जब भी क्लास आते थे इस एरिया में बैठते थे, इस एरिया में बैठते थे आप, तो हमारी दिली तमन्ना थी कि नहीं इनको सफलता मिलनी चाहिए। और जब आज ये अपना मेरिट लिस्ट वाला भेजे तो एक अंदर से हमको भी खुशी हुआ कि हाँ चलिए फाइनली इनका हो गया है। तो एक आप भी हमारे दिलो दिमाग में थे, तो बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हम गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। और जो है काफ़ी मेहनत आपको भी करना होगा, सफलता के लिए तो मेहनत करना ही होता है। कुछ बताइए अपने बारे में और इन लोगों का थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है उसके लिए ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ बताइए। सबसे पहले आप सबों को दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। मैं सिराज अहमद, मेरा होम गृह जिला है वो गोपालगंज है। हम अपना प्रिपरेशन शुरू किए 2015 से स्टार्ट किए। हम भी आप लोगों के तरह ऐसे छात्रों में रहे, हम भी आते थे बहुत डिमोरलाइज हो जाते थे, बहुत सारा रिजल्ट दिए, बहुत सारे में मेरिट से छटे, बहुत में फिजिकल से छटे, बहुत बार मतलब ऐसा लगता था कि अब गिव अप कर दें एकदम। 9 साल लगातार मतलब मेहनत करने के बाद, लगातार संघर्ष करने के बाद आज जो ये सफलता का सूर्य चमक रहा है वो 9 साल के संघर्ष का परिणाम है। हम 2446 में भी मेरा मेरिट नहीं बना था, उस वक्त हम घर से सेल्फ स्टडी ही करते थे। सर के बारे में मतलब उतना हमको जानकारी नहीं था, हमारे एक दोस्त ने बताया, मतलब
उनका नाम गौहर अली था, वो सर के पास क्लास करते थे। फिर जब मेरिट नहीं बना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में एक तरह से चले गए थे हम, 20 दिन के आसपास अपने रूम से बाहर नहीं निकले थे जब मेरिट नहीं बना था। तो उसके बाद फिर हम पटना आए 2213 में सर से जुड़े, वहाँ से पता चला कि अभी तो हम लोग बहुत लो लेवल पे थे, सर से जब पढ़ाई सर के साथ शुरू किया हम लोग तो काफ़ी मतलब लेवल अप हुआ, और वहाँ से यहाँ तक आने में फिर भी एक तरह से देख लीजिए तो 9 साल का संघर्ष है वहाँ से 2-4-10 कदम चलने का, यहाँ से वहाँ बेंच से लेके यहाँ पोडियम के सफर तक बहुत संघर्षशील रहा, बहुत दुखदायी रहा, बहुत डिमोरलाइज हुए, लेकिन हाँ परिवार वालों का साथ था, मेरी कोई ऐसी दुखद कहानी नहीं है, मेरी संघर्षशील कहानी है। तो परिवार वालों का सपोर्ट रहा, मेरे बड़े भाई साहब उनको हमेशा ऐसा लगता था कि हम कुछ अच्छा कर जाएंगे, हमेशा जब होते था कि अब छोड़ दे क्या छोड़ दे क्या, वो कहते थे नहीं तुम बहुत अच्छा लड़का है तुम अच्छा कर जाएगा, मेहनत भी करता है। फिर आए सर के संपर्क में आए, थोड़ा सा और अच्छा तेज़ी मिला तैयारी को, और उसका परिणाम आपके सामने है 1275 में, जब 2446 पोस्ट थे उस वक्त बहुत ज़्यादा पोस्ट थे, उसमें मेरिट से बाहर हो गए, 2213 में भी ज़्यादा पोस्ट थे बाहर हो गए, लेकिन और इम्प्रूव किए खुद को और संवारे, ईमानदारी पूर्वक और लगे रहे, मेहनत किए। और देखिए पढ़ाई आप जो करने आए हैं आप खुद ये तय किए हैं कि हमको क्या करना है, हमको क्या बनना है, आप अपना लक्ष्य आप अपना एम खुद डिसाइड किए हैं, और पढ़ाई किसी के दिखावे के लिए जब तक कीजिएगा सफलता नहीं हाथ आएगी, ये लिख के ले लीजिए। जब तक खुद से ईमानदार नहीं होइएगा, खुद से मेहनत नहीं करिएगा, जब आप खुद से ईमानदार हो जाइएगा ना तो सुबह किसी कोई जगाने नहीं आएगा कि उठो पढ़ो, अपने आप नींद खुल जाएगी उठ के पढ़ने के लिए, नींद नहीं आएगा एकदम इतना एकदम जैसे एग्जाम आ जाएगा एग्जाम का प्रेशर से नींद नहीं आएगा। तो वो अगर खुद से ईमानदार होकर पढ़िएगा, खुद से ईमानदारी पूर्वक लगे रहिएगा तो मेहनत बेकार होता ही नहीं है कभी। और उसका मतलब क्या कहें सर, जब हम मेरा रिजल्ट आया तो मतलब जब हम मतलब बताए तो आँख में पानी आ गया था सर, सब कह रहे हैं कि चलिए आपने ये प्रूव कर दिया कि मेहनत बेकार नहीं होता है। हमारे साथ के हम लोग जितना जब से तैयारी शुरू किए थे, हमारे साथ के मैक्सिमम जितने मतलब मेरे दोस्त लोग हैं, किसी की शादी हो गई है, कोई मतलब प्राइवेट जॉब शुरू कर दिया है, कोई बाहर निकल गया काम करने के लिए, लेकिन हम लगे रहे, बस घर वालों के एक सपोर्ट था अच्छा था, आप बोले कि तुम जाओ यहाँ से नहीं हो पा रहा है जाओ पटना जाओ वहाँ से मतलब अच्छा कर जाओगे। फिर आए सर मतलब दोस्त लेके आए सर के पास, सर से हम मिले, फिर लगे रहे हम लोग वो 2213 में वहाँ भी पढ़े थे, उस बाद सर से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहे, मतलब अच्छा कर गया आदमी, और उसका परिणाम आपके सामने है। बस इसलिए बस हिम्मत नहीं हारिए, जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए भी दुख है एक हृदय में, बस यही कहेंगे कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हिम्मत न हार गिर कर वो मुसाफिर, हिम्मत न हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए मेरे दोस्तों बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करें, बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, और टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करें, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करें। बस दोस्तों बस एक ही बात कहूंगा कि खुद से ये संकल्प करिए इन लाइनों के साथ कि मुझे अपने स्वाभिमान की कसम, मुझे अपने स्वाभिमान की कसम, धरती धरा वसुधरा महान की कसम, मुझे अपने स्वाभिमान की कसम, धरती धरा वसुधरा महान की कसम, इस धरती की कसम उस आसमान की कसम, झुकने देंगे ना सर माँ बाप का मुझ जैसे नौजवान की कसम, मुझ जैसे नौजवान की कसम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विशेष तौर पर सुनिए, एक मिनट सुनिए, हमारी बात सुनिए। देखिए हम तो सहरा जी के माता पिता को एकदम सर झुका कर नमन करते हैं कि 9 वर्ष तक सपोर्ट किए, बहुत बड़ी बात है। हम अपनी बात बता रहे हैं कि अगर हमको सफलता में इतना समय लगता तो हमारे गार्जियन हमको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ गार्जियन होते हैं कि जो 9 वर्ष तक लगातार सपोर्ट करते रहे, और एक गार्जियन का सपोर्ट, जानते हैं सफलता में हमारा अपना मानना है कि अगर आप सफलता की बात करेंगे तो सफलता में हमारा अपना मानना है कि माँ बाप के सपोर्ट का
अपनी मेहनत का, टीचर के मार्गदर्शन का और साथ ही साथ आपके वातावरण का, सब चीज का योगदान होता है। आप जो ये सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ मेहनत के बदौलत हम सफलता पा लेंगे, वैसा होता नहीं है। अगर मेहनत के बदौलत लोग सफलता पाते तो हमको लगता है कि मेहनत करने वाले ही सिर्फ सफल हो जाते। हर चीज का, सफलता में छोटे छोटे चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है, समझ गए। तो आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सपोर्ट किया आपका इतना दिनों तक। सुनिए हीरो साहब, आइए देखिए आपका सफर कैसे कैसे शुरू होता है। आपका सफर शुरू होता है नोटिफिकेशन आने से। और एक सलाह हम आपको देना चाहेंगे कि सामान्य तौर पर आपका नोटिफिकेशन अगस्त या सितंबर के माह में आता है, अगस्त के माह में आता है। और नोटिफिकेशन में एक चीज देता है कि 1/8/2023 से पहले आप अपना EWS बना ले, आप अपना NCL बना ले। तो अभी अगस्त का माह नहीं आया है, अभी जुलाई चल रहा है। तो जो भी नए तैयारी करने वाले लोग हैं, जो EWS कैटेगरी से आते हैं, जो OBC कैटेगरी से आते हैं, जो EBC कैटेगरी से आते हैं, OBC और EBC वालों को जो है NCL बनाना होता है, और जो जनरल कैटेगरी से आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उन्हें EWS बनाना होता है। तो ये भी एक मुद्दा जो है उठता है कभी कभी वैकेंसी में। तो आगे जो नोटिफिकेशन आना है, लगभग आप मान करके चलिए 9 जुलाई को रिजल्ट दे दिया है, तो हमको लगता है अगस्त में अगला नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और अप्रॉक्स में 2000 प्लस सीट के लिए वैकेंसी जो है आपको आना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो इसी वजह से वैकेंसी आना ही आना है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल एक छात्र हमसे पर्सनली आकर के मिला हुआ था, लड़की थी संभवतः, और वो ये बात बोली कि सर सच में वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा या फिर हम दूसरी और मूव करें। तो हम आपको एकदम क्लियर कट वे में बताना चाहते हैं कि वैकेंसी सच में आ रहा है, और आप मान करके चलिए अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन में ये बात होगा 1/8/2024 से पहले जो है EWS और NCL आपके पास होना चाहिए। तो जो EWS कैटेगरी में आते हैं, OBC EBC में आते हैं, वो लोग ये चीज 1/8/2024 से पहले आप बना ले, पहला रिक्वेस्ट मेरा ये है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप मान करके चलिए कि नोटिफिकेशन आने के बाद जब फॉर्म भराया जाएगा तो आप मान करके चलिए अप्रॉक्स में 7 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 7 लाख। इस बार 6 लाख प्लस लोग फॉर्म भरे थे, तो इस बार जो है हमको लगता है 7 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरेंगे। और उस 7 लाख में से आपको जितना नोटिफिकेशन में रहेगा, मतलब 2000 के आसपास पोस्ट रहेगा, तो उस 2000 में आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब 7 लाख, आप थोड़ा सोच करके देखिए, मतलब 7 लाख, 7 लाख की अगर हम लोग बात करें तो 7 लाख में से आपको 2 लाख में आना है। और पहला जो दरवाजा होता है प्रीलिम्स का दरवाजा होता है, और प्रीलिम्स की अगर आप बात करेंगे तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा अटपटा होता है। देखिए मेंस की अगर हम बात करें ना, तो मेंस का जो सिलेबस होता है वो तो एकदम सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में थोड़ा क्वेश्चन अटपटा रहता है। और प्रीलिम्स का एक प्रकार से कहिए तो कोई और छोर नहीं है, कोई माए बाप नहीं है प्रीलिम्स का। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में जो है सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हट करके जो है आपको पूछा जाता है। तो पहला दरवाजा प्रीलिम्स होता है, 7 लाख में से आपको प्रीलिम्स में जब रिजल्ट होगा, जितना भी सीट होगा उसका कितना गुना रिजल्ट देता है, 20 गुना रिजल्ट देता है। मतलब 2000 सीट है तो 2000 का 20 गुना कीजिएगा तो लगभग 40,000 के आसपास जो है आपको प्रीलिम्स में रिजल्ट आएगा। और वो 40,000 लड़का अपने आप में क्रीम होगा, और उस क्रीम में से आपको फिजिकल देने के लिए मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। और मेंस में टोटल वैकेंसी का कितना गुना देता है, 5 गुना या 6 गुना देता है। तो फिर वो 6 गुना में आप आइएगा, तब जा करके जो है आप फिजिकल दीजिएगा, और फिजिकल के बाद जो है आपका मेरिट बनेगा। और इस बार फिजिकल कितने लोग दिए हैं पता है आप लोग को, फिजिकल कितने लोग पास किए हैं पता है आप लोग को, फिजिकल की अगर आप बात कीजिएगा तो फिजिकल पास किया है लड़का 2000 प्लस, लड़की 1600, मतलब
3600 लड़का और लड़की मिलाकर के फिजिकल क्वालिफाई किया, 3600 लड़की और लड़का मिलाकर के फिजिकल क्वालिफाई किया है, और 3600 में से फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो फाइनल सिलेक्शन हुआ है मात्र 1275, 1236, मतलब 3 पर 1 का सिलेक्शन हुआ है, यानी जितने लोग फिजिकल क्वालिफाई किए हैं उसमें 3 पर 1 का सिलेक्शन हुआ है, 3 पर 1 का सिलेक्शन हुआ है, समझ गए। तो काफी संघर्ष भरा डगर, संघर्ष भरा डगर होता है, काफी मुश्किल भरा डगर होता है, लेकिन उसमें अगर आप धैर्य बना करके रखते हैं, उसमें अगर आप धैर्य बना करके रखते हैं, लगातार बिना डिस्ट्रैक्ट हुए मेहनत करते जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है सफलता आपके कदम को चूमेंगी। और अगर आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए, तो फिर सफलता का कोई चांसेज आपके जीवन में नहीं है। देखिए, ये कोई चुनने की प्रक्रिया नहीं होती है, छांटने की प्रक्रिया होती है। बोर्ड तो यह प्रयास करता है कितना अधिक से अधिक लोगों को हम छांट दे, बोर्ड यह प्रयास करता है कितना अधिक से अधिक लोगों को जो है हम छांट दे। तो उसमें, उस छटनी प्रक्रिया में अपने आप को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना करके रख सकते हैं, उसी का कोचिंग हम आपको देते हैं। हम आपको पढ़ाने के साथ साथ जो है उस चीज का भी कोचिंग देते हैं। कुछ लोग इन बातों पर गौर करते हैं और कुछ लोग चीजों पर गौर नहीं करते हैं। तो आप देखते होंगे क्लास में कभी कभी पढ़ाई से हट करके कुछ बात बोलते हैं, उन चीजों को जो है आप सीरियस वे में लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। जो लोग सीरियस वे में ले लेते हैं वो निश्चित तौर पर सफल होते हैं, और जो नहीं लेते हैं वो सफल नहीं होते हैं, समझ गए। तो ये चीज है, तो ये छांटने की एक प्रक्रिया है, ये सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि छांटने की प्रक्रिया है। अब उस छांटने की प्रक्रिया में आप अपने आप को कितना बेहतर बना करके बोर्ड को दिखा सकते हैं, तभी जाकर के जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन होने का कोई चांस नहीं है, समझ।